बहुत बहुत स्वागत है तनवीर बरार तो ये जो वाक पटुता है ना ये वाक वाकई हम कायल हैं अब जब इतनी मशहूरियत हो गई सब कुछ हो गया पलट के पीछे देखते हैं बारी बारी पीछे देखना पड़े तो इसका मतलब आगे देखने का वक्त नहीं है फिर आपके पास

एक नो no नॉनसेंसनेस थी उस वहां मैं बहुत जाता हूँ जब कंफ्यूज होता हूँ ना, के के जिसका नाम लखनऊ है लखनऊ में कहते हैं कि देखो किसी को भरपेट मत खिलाओ कि देखो आप भरपेट खिलाओगे आदमी का पेट भरा हुआ है या आप उसका पेट भर के खिला रहे हो उसको तो उसके बाद बोलेगा यार ये अच्छा नहीं अच्छा नहीं थोड़ी भूख रहने दो दूसरा भूखे को खिलाओ कहीं से खा के आया हुआ मत खिलाओ भूखा होगा तो अप्रिशिएट करेगा तीसरा गर्म खिलाओ गर्म जो है जल्दी जल्दी खाएगा सब कल्चर कहते ना एक प्लेट खाना एक पतीला किससे से आ, भिंडी ऑमलेट बनाते हैं या कोक क्या पिज्जा बनाते हैं कुछ ऐसे फ्यूजन फ्यूट, जो इंस्टाग्राम पे छोटे वाले जो इंस्टाग्राम पे <laughs> इंस्टा... भिंडी ऑमलेट और क्या क्या होता है इसमें? सर बहुत चीजें कोक ऑमलेट कोक वाले पानी के बताशे बहुत कुछ चलता है आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ हाँ सर आपका चैनल मैंने देखा कि मैं समझना चाह रहा हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर का प्रोफाइल क्या है <laughs> सर मतलब ऐसे धरती की दसों दिशाओं की शपथ लेते हुए ना और पूरी मनसा वाचा कर्मणा से एकदम ईमानदारी का तस्करा है आपको जी वेज बिरयानी पर दो शब्द कह दीजिए देखिए वेज बिरयानी वैसे तो कुछ होता नहीं है थैंक यू फॉर सेइंग दैट लिखते क्या है आप पहाड़ों पे जब गए थे तब एक लिखा था जानता हूँ जो है मेरे अंदर है अच्छे बुरे दिन भी वो धूप छाओ जानता हूँ जो है मेरे अंदर ही है, अच्छे बुरे दिन भी वो धूप छाओ भी अकेले चलने की भूख भी दुनिया के पैसे का छाओ खुशियाँ हल्की होती सबको दूर उड़ा ले जाती हैं खुशियाँ हल्की होती सबको दूर उड़ा ले जाती हैं लड़खड़ा के देखो उठा के देखो कभी पत्थर खेलो कभी ये दुख का दाव क्या बात सर तो ये, ये कुछ और है सर ये ये भी सैड ही है पर चलने देते हैं अभी एडिट हो जाएगा कुछ एडिट नहीं होता है <laughs> ये <ना लंटा> <laughs> बहुत बहुत स्वागत है आपका इस नए प्रोग्राम में जो कि काफी पुराना हो चुका है नया इसलिए क्योंकि आज पहली बार भरपूर मौज आने वाली है और मौज इसलिए आने वाली है शुरू से आखिरी तक क्योंकि बात होगी खाने पर हमारे न्यूज़ रूम में आज के जो मेहमान हैं वो धनिया के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर हैं जेल भी जा चुके हैं खाना बनाना सिखाने के लिए खाना बना चुके हैं प्रधानमंत्री के लिए भी पर खाना बनाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ क्योंकि गुरुद्वारे में बाकी लोग सबद के लिए जाते हैं ये भाई साहब स्वाद का जो स्रोत था यानी कि जहाँ पे लंगर छकते हैं गुरुग्रह प्रसाद मिलता है वहाँ पर इनकी ज़्यादा दिलचस्पी थी दिलचस्पी ऐसी थी कि घर वाले जैसे उत्तर भारत के सारे घरवाले होते हैं किसी दैवीय प्रेरणा के तहत अपने घर के लड़के लड़कियों को या तो डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए विवश से होते हैं इनके घर वाले भी थे पर इन्होंने अपनी राह चुन ली खूब खाना बनाया खूब दुनिया भर में रेस्टोरेंट खोले झटके भी खूब खाए मतलब एक झटका तो ऐसा कि थमा दिया गया पाँच हज़ार का चेक ज़्यादा झटका आपको ना लगे चेक में रुपए नहीं डॉलर थे पर जितनी ये अपनी मेधा का और मेहनत का निवेश कर चुके थे तो वो बड़ा झटका था तो इनको लगा कि अब सब कुछ तो खत्म हो गया है और इन्होंने मोहम्मद रफ़ी के गम भरे गीत सुनने की शुरुआत करने ही वाले थे पर तब तक इनके जितने संचित पुण्य थे जो कि लोगों और संबंधों के रूप में होते हैं जो आप अपने कर्म के जरिए बनाते हैं उन सबके फ़ोन आने शुरू हो गए बोले गुरु यार हम लोग तो फाइटर हैं और तुम सबसे बड़े फ़ाइटर हो लोड क्यों ले रहे हो वापस आ जाओ शुरू से शुरू करते हैं इनने फिर से शुरू कर दिया और आज की तारीख़ में ये हिंदुस्तान के सबसे मशहूर सबसे कमाल के सबसे ज़मीनी सबसे यकीनी स्वाद के उस्ताद हैं और इनका नाम है रणवीर बराट बहुत बहुत स्वागत है थैंक 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 यू 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 ये जो वाक पटुता है ना ये जो वाक पटुता है इसके वाकई हम कायल हैं। एक <laughs> तो आपके जूते बहुत बढ़िया लग रहे हैं चोरी के अच्छा कहां से चुराए सेट से

मुस्कुरा के कह रहे हैं कई लोगों लगेगा यूँ ही कह दिया पर दरअसल सबसे बड़ा सच यही है उम्र दराज मांग कर लाए थे चार दिन दो दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में दो आरज़ू में कट गए दो इंतजार में हमने आपको बड़ी देर से खोजा ये हमारी कमी है हमारे इर्द गिर्द के सब लोग लगातार बताते रहते थे और एक रोज़ हमको एक व्यंजन बनाना था जो मैं कैमरे में नहीं बता सकता <laughs> और हम आप तक पहुँचे और क्या गजब का बना गुरु तो हम आपके नए नए मुरीद हैं उस मामले में और जब मैंने आपकी जीवन गाथा पढ़ी तो मुझे लगा कि ये तो बहुत कमाल के व्यक्ति हैं इसलिए नहीं कि बहुत सफल हैं वो आपके व्यक्तित्व का एक हिस्सा है इसलिए क्योंकि आप कई दफ़ा गिर के संभले हैं आ, पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब जब इतनी मशहूरियत हो गई सब कुछ हो गया पलट के पीछे देखते हैं रणवीर बरार की जर्नी को तो कौन से मकाम हैं जो आपको ज्यादा नज़र आते हैं बार बार याद आते हैं आई थिंक uh, पता नहीं मैं पीछे देखता ही नहीं वो उसकी कमियाँ भी हैं स्ट्रेंथ भी हैं कई बार स्ट्रेंथ चाहिए होती है तो आदमी को लगता है कि अपने फेलियर देख लूँ जरा स्ट्रांग फील करूँ फिर फिर उसको उसके साथ स्ट्रेंथ के साथ प्राइड आ जाती है ना तो वो अपने को चाहिए नहीं अब तो इसलिए मैं पीछे देखता ही नहीं ये एक जरूर है कि आई थिंक एक चीज जरूर सीखिए uh, जो चीजें हमको लगता है बहुत मैटर करती है वो यूजुअली मैटर नहीं करती वो तो दो चार आप लाइफ वैल्यूज वैल्यू सिस्टम में अपने तीन चार वैल्यू ऐड करके आप आगे बढ़ जाते हैं बारी बारी पीछे देखना पड़े तो इसका मतलब आगे देखने का वक्त नहीं है फिर आपके पास और वो तीन चार वैल्यूज क्या है एक तो ये कि संपत्ति की डेफिनेशन हमको गलत सिखाई जाती है आ, दूसरा सक्सेस की डेफिनेशन हमको गलत सिखाई जाती है और तीसरा ये कि स्पिरिचुअलिटी की डेफिनेशन हमको गलत सिखाई जाती है ये तीन बेसिक लर्निंग्स जो हैं जो रीओरिएंटेशन अपने वैल्यू सिस्टम में किए हैं मैंने संपत्ति का मतलब जो है क्योंकि हम टेंजिबिलिटी जो है ना वो लक्ष्मी के इतने स्वरूप हैं लेकिन धन लक्ष्मी ही सबसे ज़्यादा पॉपुलर कर दिए हमने यू नो और भी तरीके हैं संपत्ति के संतुष्टि और संतति संतान और संतोष उतना ही ज़रूरी है जितनी जितनी की जितना की धन है तो वो वो चीज़ें के बार हम संपत्ति को डिफाइन करना भूल जाते हैं तो आई थिंक वो बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि फिर वो ख़त्म नहीं होती वो फिर वो रेस है Uh, दूसरा सक्सेस uh, हमें बताया जाता है कि तुम कुछ बन गए हो तुम कभी कुछ बन ही नहीं सकते कि बन गए हो तो कहानी ख़त्म सक्सेस डेस्टिनेशन तो हो ही नहीं सकता hmm. तो तुमको तो बनते रहना है ना सक्सेस इज अ जर्नी वो डेफिनेशन गलत बताई जाती है और तीसरा स्पिरिचुअलिटी स्पिरिचुअलिटी को इतना ज़्यादा धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है कि हम अपनी बाकी चीज़ों में बाकी अपने काम में अपने प्रोफेशन में स्पिरिचुअल uh, होने से डरते हैं हमें लगता है कि स्पिरिचुअल होना है तो मंदिर की घंटी बजानी पड़ेगी गुरुद्वारे में जाना पड़ेगा स्पिरिचुअलिटी uh, को को हमने बहुत ज़्यादा रिलीजन रिलीजियस प्लेसेस चैंटिंग मंत्रोच्चारण के साथ जोड़ दिया स्पिरिचुअलिटी uh, जहन में होती है काम में होती है एक्सप्रेशन में होती है मैं खाने में ढूंढता हूँ तो वो कुछ चीज़ें जो हैं वो वो वैल्यू सिस्टम में ऐड करें बाकी इतना पीछे देखने की ज़रूरत पड़ती नहीं है मतलब डर लगता है पीछे देखने से कि फिर से वो मतलब unnecessary एक कैरी हो आप यू नो लाइक फिर आप वो बैगेज डाउनलोड करने में वक्त वेस्ट होता है आगे देखते जाओ जो है very nice. आप ये सब बता रहे थे मुझे आपकी दादी याद आ रही थी <laughs> बताइए उनके बारे में हमें तो वो बड़ी बहुत यू नो वेरी टफ लाइफ यू you नो know, मतलब दादाजी जो आर्मी में थे ज़्यादातर बाहर रहते थे तो गांव में बच्चों को पढ़ाना और गांव में जॉइंट फैमिलीज़ में साथ साथ आठ आठ सो रायका कोटला है पंजाब में वहाँ पर पत, मतलब पिताजी को पढ़ाया फिर जगह जगह मूव करते थे अगर कहीं पोस्टिंग हो गई दादाजी की तो उनके साथ मूव किया तो बहुत बहुत ऊपर से बहुत ज़्यादा रफ़ हो गई थी वो यू you नो know, इतना ज़्यादा कि कई बार जो नहीं समझता था वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता था किसी के घर गई मतलब हर हमें लोग बोलते अरे दादी को वहाँ मत भेजो झगड़ा कर लेगी यू नो अरे वहाँ मत भेजो झगड़ा कर लेगी क्योंकि उनको इतनी ज़्यादा जो है वो कहने की आदत थी जैसे जैसे किसी के घर गए और बोल दिया किसी ने बोला कि हमारे घर हमारे घर में वो है गृह प्रवेश है तो आप आइएगा ज़रूर तो उनको जाके बोल दिया कि अरे घर तो पूरा तैयार करा लेते बगल वाले का गृह प्रवेश होने से पहले गृह प्रवेश करवाना था इसका मतलब ऐसे कच्ची ईटों में बुला लिया तुमने अब जो है वो है जो है वो है बट सामने वाले को अब यू नो तो वो है फिल्टर नहीं था अब क्योंकि उनको डर नहीं था जिंदगी देखी थी डर नहीं था तो वो उन्होंने एक एक जो लेकिन बरकत बहुत ना, तो सच में बरकत होती है ना फिर जब डर नहीं होता तो बरकत होती है तो तो उनके हाथ में खाने में स्वाद में एक नो no नॉनसेंसनेस थी यू नो ऑब्जेक्टिविटी थी क्लैरिटी थी वो आ, मैं बहुत आ, उस, वहां मैं बहुत जाता हूँ जब कंफ्यूज होता हूँ ना किचन में वहां बहुत जाता हूँ क्योंकि क्यों, क्यों असली ढूंढने के लिए छाटना पड़ता है ना तो जब जब छाटने की बात आती है तो ऑब्जेक्टिविटी क्लैरिटी फेयरलेसनेस फिर वहां से ढूंढनी पड़ती है वो दादी से और कुकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो आपने ये फिलोसॉफिकल चीज बताई थिंक वो सिंपल हम हम बचपन में कुछ चीज़ें जो है बहुत हम लोग किसान हैं है नॉर्मली एक तो पंजाबीज जो है वो क्लब इन हो जाते हैं कि पंजाबी मतलब बड़ा खाना खाते होंगे एकदम रिच रिच दाल पकवान ये वो तो हम लोग किसान लोग हैं शुरू से आदत यह है कि घर में एक दाल बनती थी सब्जी एक बन जाए तो समझ लो बहुत अच्छी बात है दो बन जाए तो दिवाली वाली है कुछ मिस हो गया मतलब तो शुरू से ही फंक्शनल खाना रहा है आ, मिर्ची घर पे कभी आई नहीं लाल मिर्च घर पे कभी नहीं आई जो है इधर से तोड़ा आंगन से तोड़ा लखनऊ गए तो वहाँ पर भी पाँच पाँच एकड़ जमीन ले ली भैया जो है वहाँ से उगाओ यहीं आठ गायें घर पर बंधी हुई थी तो, तो वो एक जो एक फंक्शनल खाना होता है ना जो शरीर को लगे वही खाओ वो भाव जो है वो हमारे घर में शुरू से रहा है और आ, वो उन्होंने बहुत सिखाया कि ये स्वाद वाद के पीछे मत मत जाओ इवेंचुअली देखो तुम्हारे शरीर को लग क्या रहा है है ना स्वाद जो है वो उसके ऊपर चढ़ जाता है स्वाद इनटेंजिबल है वो 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 बरकत से से आ जाएगा, वो से आ जाएगा जाएगा तो वो एक किसान का जो खाना है वो बहुत दिखाना चाहते हैं कि भाई मैं मुझे ये भी पता ये भी पता ये भी पता पच्चीस छब्बीस सत्ताईस के होते हैं हम उसके बाद फिर हम छाँटना शुरू करते हैं हम रियलाइज करते हैं कि इतना ज़रूरी 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 नहीं 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 है नहीं है नहीं है इवेंचुअली बच जाता है उतना सा जो चालीस पैंतालीस में हम अपने प्रोफेशन में बोलते हैं यार हाँ ये सिंप्लिसिटी है जो 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 एसेंस है जो मास्टर करना मुश्किल है तो वो वो जो पार्ट है ना उसको आइडेंटिफाई करना मेरे लिए आसान है बिकॉज शुरुआत वहाँ से हुई थी टू रिमूव द फ्लफ लाइक आई सेड इन माय कुकिंग इज आल्सो ईजी और दास बाबू अच्छा था आई थिंक वो टाइम अच्छा था वो क्या होता है कि सब I mean, आई मीन कानपुर हो उरई हो लखनऊ हो पुराना जो जो एट्टीज़ का इंडिया था अगर आप एट्टीज़ में बड़े हो रहे थे तो वही परचून की दुकान का कनेक्शन घर के बच्चे से बड़ा कॉमन था ना मुझे मतलब। घर के बच्चे को भी भगाया जाता जा जावटा ये ले आओ दो रुपये की क्योंकि सब कुछ खुला था तो दो की पत्ती ले आओ न आठ आने की चीनी ले आओ तो एक नेबरहुड ग्रोसर के साथ एक कनेक्शन बन जाता है तो वो था उनके साथ कि भैया ये अच्छा ये है अच्छा ये क्या है बैठ गए वो भी बैठे हुए हैं सारा दिन जैसे मोहल्ले में बेचारी एक ही परचून की दुकान होती है दास दबो बैठे हुए हम भी बैठे हुए साथ में तो दो चार खाने की बातें हो गई टॉफ़ी का टॉफ़ी लेनी थी तो चलो आज आधा घंटा बैठ जाते हैं इनके साथ या फिर इनके बेटे के साथ शाम को क्रिकेट खेलना है ये आने नहीं दे रहे उसको तो उनको थोड़ा पटा लेते हैं बैठ के तो वो एक वो एक कनेक्शन हो जाता है दैट नेबरहुड ग्रोसर वाला एंड क्यूरियोसिटी क्यूरियोसिटी अबाउट व्हाट यू कंज्यूम उस समय इतना कुछ नहीं था लेकिन बातों बातों में आप आप सुनते रहते हैं आप रियलाइज नहीं करते हैं, आपके आपके डब्बे में भर रहा है सब कुछ बाद में आप रियलाइज करते हैं दस पंद्रह साल बाद अरे हाँ यार ये अरे हाँ ये वहां से आ रहा है अच्छा ये दिस इज कमिंग फ्रॉम द बट वो कनेक्शन वो था वो बड़ा एक एक छोटे से मोहल्ले के परचून वाले अंकल के साथ जो छोटे बच्चे का कनेक्शन होता है ना hmm. कि थोड़ा बतिया लिया अच्छा अंकली वाली मिर्ची कहाँ से है अच्छा अंकल ये कहाँ से है नहीं तो खुद ही बोलना शुरू कर देते थे वो जो वो वो चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग थी वो इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग था hmm. वो इंडिया बहुत इंटरेस्टिंग था एक एजेंडा नहीं था ना उस इंडिया में इतना ज़्यादा ये मार्केटिंग जो है ना बड़ी खतरनाक चीज है मार्केटिंग के साथ में एजेंडा आ जाता है एजेंडा के साथ में ट्रांजेक्शन आ जाता है वो वाले इंडिया में 80's के इंडिया में एजेंडा नहीं था इतना आप बात करते थे आप बैठे थे डेढ़ डेढ़ घंटा लगे हुए तो, तो वो दबाव नहीं था कि हर वक्त टाइम को बिल्कुल निचोड़ लेना हाँ। है अब हाँ। तो आज के इंडिया में एजेंडा बहुत है भाई आज लो आप मतलब आप अगर किसी से बेफालतू बात करें सामने वाला सोचने लगे इसने क्यों करी है मुझसे बात घर जाके भी सोचता है यार उस मेरे से एक घंटा क्यों बात कर रहा था उसे मुझसे क्या चाहिए parts of india including the capital new delhi are seeing extensive flooding from heavy rains floods in northern india are threatening lives and livelihoods 100 people have died after record monsoon rains in india this week आपकी एक दुआ कबूल करेगा क्या दुआ मांगोगे अल्लाह अगर पानी थे महिलाओं को सुबह से शाम तक और कुछ चिंता होना हो लेकिन पानी की सबसे पहले चिंता है कि घर में पानी लाना है चार गेड़ा पच गा छा करे जाओ अस्सी साल की माँ नव साल की है ये मटका भर चल रही है नीचे हो रही है। हाँ लेवल की केमिकल्स कमाने वाला एक और पानी पीने वाले दस ये मजबूरी तो काम कर रहे और पानी आसपास में नजदीक में कहीं पढ़ना चाहती थी पढ़ना बहुत चाहती थी तो स्कूल छोड़ पानी से ये सब जो बाहर उठाने से तो उसका बच्चा गिर गया इसके बाप ने इसको सिखाया क्या है? क्या पानी नहीं ला सकता और गुरुद्वारे की स्मृति गुरुद्वारे की तो दादाजी से जुड़ी हुई है बहुत ज्यादा आई थिंक दादाजी पक्के फौजी थे संडे टू संडे गुरुद्वारे जाने की आदत थी तो, तो घरवाले बोलते थे मैं इनको भी ले जाओ तो लखनऊ में हाँ तो हरसन लाइन करके हम तेलीबाग में रहते थे पीछे हरसन लाइन कैंट था वहां पे गुरुद्वारा था बहुत पीछे भट्टा होता था एक इंटो का इंटो का भट्टा तो वो भट्टे वाले ने एकदम पाट रखी थी जमीन तो पहले ऐसे भट्टे में नीचे उतरो फिर साइकिल से ऊपर चढ़ाओ तो भट्टे में तो आप चलाते थे साइकिल फिर आप उतरते थे चढ़ा के ऊपर लेके जाते थे फिर चढ़ाते थे उधर तो फुल मतलब जॉय राइड होती थी वो और पीछे कैरियर सारा चुपता रहता था मेरे को मेरे को बहुत डर लगता संडे जाने को वो कैरियर में कांटे चुपते रहते ना आगे दादा ही चलाते छोटे बच्चे पीछे बैठे रहते तो वो हर संडे को उनका रूटीन था कि चलो बेटा तो आ, वहां पर वो आ, अब ही वाज लेट दैट टाइम टाइम उनका उनका मन अंदर लगता था हम हम तो मजबूरी में आते थे, थे उस समय वो रामायण आ रही होती थी हुँ. तो हम उससे इतना दुख होता था कि यार हम रामायण छोड़ के जा रहे हैं उस समय तो रामायण या संडे की सुबह हाँ, संडे की सुबह जा रहे हैं रामायण छोड़ के उसके बाद वो सिग्मा आता था, था वो जखाकू अखाकू क्या वो पागलपन होता था वो तो हमें बहुत दुख होता था यार ये क्या है ये चक्कर तो फिर यू यूज टू फाइंड सम एक्शन कभी वहां से भाग के एक दोस्त दोस्त बनाया उसे घर पर जाके रामायण देख ली अंदर नहीं बैठते थे कभी तो फिर कभी बाहर आके वहाँ जा लंगर अंगर बन रहा है वहाँ एटलीस्ट थोड़ा शोर है हो हल्ला है पाँच छः साल का बच्चा उसको क्या समझ आएगा अंदर हुँ. तो वो वहाँ पर धीरे धीरे यू यू ग्रेविटेट टूवर्ड्स वेयर एक्शन इज ना तो एक्शन खाने वहाँ पे था जहाँ खाना बनता था तो थोड़ा फिर वहाँ पे फिर हमने अपना ठिकाना बना लिया धीरे धीरे तो देख फिर मज़ा आने लगा ना कि आप चीज़ें हो रही हैं अरे जो भी है कुकिंग का एक मैजिक तो है ना कि कुछ नहीं से कुछ तो बन जाता है ना हर बार वो वो शुरू से मेरे को देर एन एंचांटमेंट टू दैट दाइम शुरू से ही रहा है वो यार ये देखो यार हैं जैसे शादी में कई बार वो पुराने महाराजा राज आते थे तो एक टेंट लगाते थे कुछ नहीं होता था चार ईटें लगा के शाम को लगता और यार ये देखो यार है कुछ नहीं से कुछ तो दैट मैजिक ऑलवेज इंचड में तो वो चीज़ फिर वो उस चीज़ ने मेरे को लंगर की तरफ बहुत खींचा और ओवरऑल खाने की तरफ बहुत किया द मैजिक ऑफ क्रिएटिंग समथिंग आउट ऑफ नथिंग इट्स लाइक म्यूजिक ना है, है कुछ नहीं है ना आप क्रिएट आप कर रहे हैं तो वो बस वो गुरुद्वारे में धीरे 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 समझ में आने लगा मज़ा आने लगा क्या हमारी साइकिल मिल गई फिर हमको कैरियर बैठ की ज़रूरत नहीं पड़ती घरवाले भी खुश में समय दे रहे हैं ऐसा कुछ हाँ घरवाले तो वो घरवाले इस मामले में बहुत यू uh, नो you know, हमारे पिताजी इस मामले में बहुत क्लियर हैं कि अच्छा है और दिमाग लगाना है तो गुरुद्वारे गुरुद्वारे में लगाओ तो क्या बनाया था आपने सबसे पहले सबसे पहले मैंने बनाया था मीठे चावल गुड़ के चावल तो तब तक क्या हो गया था तब तक हम परमानेंट वो हो गए थे कि चलो सामान ला दिया सेवा कर दी बर्तन धो दिए खाना वाना नहीं बनाते थे ऐसे बीच में घूमते रहते थे मज़े करते रहते थे लेकिन देखते सब थे अब कितने आप छः सात साल से देख रहे हो चीज़ें बन रही हैं तो एक वो एक ज्ञानी जी जो थे उनकी वाइफ मीठे चावल बनाते थे, थे गुड़ वाले चावल तो वो जो है मायके वायके चली गई पता नहीं क्या हुआ तो उन्होंने बोला बेटा बनाओ आज तेरा एक साल का था वो मैंने कहा मेरे को मैं थोड़ी ना मैं मतलब मेरा तो ये सब है इतन, उठाना उठाना सफ़ाई वफ़ाई करना ये थोड़ा ना बनाऊंगा मैं कहता नहीं नहीं बना लोगे तुम बनाओ तो जो देख जो मैं देखता था इतने सालों से उसको कोशिश करी अच्छे बन गए तो हमारे घर पे हमारा नाम ही पड़ गया लांगरी लंगर बनाने वाला तो कॉल यू लांगरी हाँ पिताजी अभी लाड़ में अभी मतलब अब नहीं बोलते इतना वो क्या होता है कि एक एज के बाद वो एक फ़ादर सन वाला वो हो जाता है ना हम लोग के छोटे शहरों में नहीं, नहीं अब इसको कुछ नहीं बोला अभी बड़ा हो गया <laughs> तो इसलिए इसलिए नहीं बोलते नहीं तो बहुत समय तक तो पहले ही क्या है ये मीठे चावल की रेसिपी सब बहुत सिंपल है ऐसा कुछ नहीं है आपने जो शॉर्टकट है वो एक्चुअली हमारे यूट्यूब चैनल पर भी आप देख लीजिएगा लेकिन आप चावल को सेवनटी परसेंट पका ले हुँ. उसके बाद फिर उसके उसके ऊपर गुड़ डाल के हल्का पानी का छीटा के सौ अगर आपका मन करे थोड़ा इलायची पाउडर और उसके बाद ढक लेकिन अगर आपको असल मीठे चावल खाने असल तो आप गन्ने का रस ले और गन्ने के रस के अंदर चावल डालें और उसको धीरे-धीरे 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 वो मतलब कानपुर में रसावल बोलते हैं उसको जी और इधर पंजाब में बोलते हैं रो वाले चौल वो जो मीठे चावल हैं वो साहब वो है मीठे चावल वो पूरे फूट आपने एक बड़ी दिलचस्प बात कही कि धार्मिकता और कर्मकांड अपनी जगह है आध्यात्मिकता अपनी जगह है और ये आपके ऊपर है कि आप अपनी आध्यात्मिकता किस में खोजते हैं जैसे आपको वो भोजन में किचन में उन सब में दिखती है तो मैं अपनी रिसर्च टीम की रिसर्च पढ़ रहा था कि किसी शो में कोई मिठाई बनती है चंद्रकला या क्या नाम था मिठाई का और उसको देख के आप बहुत भावुक हो जाते हैं क्योंकि आपकी पत्नी पल्लवी कृष्ण भक्त हैं हम्म हम्म है वो एक्चुअली क्या है कि देखिए मैं ना मैं ब्रिज से वैसे भी बहुत फैसिनेटेड हूँ इस बार भी होली पे मैं वृंदावन मथुरा बरसाना नंदगांव पाँच दिन वहाँ लगा के आया हूँ अच्छा मुझे मुझे आ, आ, बहुत कम जगहें ऐसी हैं जहाँ पर आप एक एनर्जी महसूस करते हैं हाँ, मुझे आज भी गोकुल में एक एनर्जी महसूस होती है कि मिथ है नहीं यू नो इट्स अ डिफरेंट स्टोरी बट वहां पर एनर्जी है राइट तो मैं इस बात को बहुत स्ट्रॉन्गली मानता हूं के, के, अगर हमें एक आइडियल एग्जाम्पल समझना है इस दुनिया में रहते हुए अपने, अपने सक्सेस के साथ में अपनी स्पिरिचुअलिटी जिंदा रखने का अध्यात्म को जिंदा रखने का आई थिंक श्री कृष्ण से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं hmm. गीते से, गीता से बड़ी कोई किताब नहीं है मेरे लिए तो तो हाँ तो वो थोड़ा सा मेरा एक बहुत ज़्यादा पर्सनल कनेक्ट है प्लस पल्लवी जो है वो भी बहुत आ, आ, वो बहुत ज़्यादा श्री कृष्ण की भक्त हैं बहुत ज़्यादा wow. तो वो उस वो मोमेंट कुछ ऐसा क्रिएट हो गया था मास्टर शेफ में कि वो तो, वो ना वो टोकरी में वो मिठाई लेके के आए नो जैसे uh, जैसे लड्डू गोपाल को, को लाते हैं जैसे लड्डू गोपाल को, को लाते हैं जैसे तो वो एक एक मोमेंट क्रिएट हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि जैसे सर पे वो लेके आए तो ऐसा लग रहा था कि यू नो लाया जा रहा है तो वो आई थिंक दैट मोमेंट दैट मोमेंट इन टाइम वाज वेरी स्पेशल फॉर मी कई बार आप नहीं होल्ड कर पाते और मेरे जैसा इंसान जो है वो हम लखनऊ वाले हम मतलब आर्टिकुलेट तो बहुत आसानी से कर लेते हैं आई आर्टिकुलेट माई फीलिंग्स एट दैट पॉइंट एंड टाइम नो ऐसा नहीं है कि वो एडिट में जंप है मैं अपनी भावनाओं को ही नहीं व्यक्त कर पाया इतना ओवरवेलम हो गया था मैं वहाँ बहुत कम होता है बट वो एक कई बार खाना जो है ना वो एक मोमेंट क्रिएट कर देता है और वो मोमेंट्स ही आप लेके चलते हैं वो इवेंचुअली क्या है स्वाद तो आप डायरी में नहीं लिख सकते ना इतना मीठा इतना खट्टा इतना आप वो मोमेंट वो स्पेस एंड टाइम को रजिस्टर कर लेते हैं और वो स्वाद आप उसको स्वाद कह लेते हैं गूंगे के गुड़ जैसा हो जाता हाँ, है हो जाता। आ, आपके जीवन में बहुत सारे गुरु रहे होंगे जिन्होंने आपको दुनियादारी और स्वाद के बारे में सिखाया एक गुरु के बारे में मैं खास तौर पे जानना चाहता हूँ जो है आपकी पत्नी पल्लवी क्या सीखा उनसे स्वाद और जो आपका प्रोफेशन है वो और जिंदगी देखिए मैंने पल्लवी से सबसे बड़ी चीज़ ये सीखी है कि जो जो इट इज़ ओके टू नॉट नो समू नो मेरी एक एक जो बहुत अच्छी बुरी जो भी आते हैं मुझे सब कुछ करना है अगर मुझे नहीं पता है तो मुझे उस चीज़ में घुस के चाहे वो एरोनाटिकल इंजीनियरिंग है चाहे वो कैमराज हैं लेंसेज हैं है, साउंड इंजीनियरिंग है मुझे सब कुछ करना है राइट इसलिए नहीं बट इसके मुझे हर मौला बनना है बट पता नहीं कब काम आ जाए एक जिंदगी में ये सीखा है कि सब कुछ कभी भी का, काम आ जाता है और तो एक फिर उस, वो वो पार्ट ठीक है लेकिन आप टू हैव अ सेंस ऑफ बिकॉज यू डोंट नो एवरीथिंग यू नो दैट दैट कॉम्प्लेक्स दैट यू डोंट नो एवरी थिंग वो उसके आने की वजह से हट गया एक तरह से क्योंकि हम जितना मर्जी कह लें दैट एक सेंस ऑफ कंप्लीशन जो वो देते हैं कि अरे ठीक है तुमको नहीं पता है, हमको पता है नहीं तो किसी और को पता होगा अब जैसे आई एम वेरी बैड विद फाइनेंस पैसे का मुझे जीरो हिसाब किताब मेरा सिर्फ यही ब्रीफ है कि देखो कार्ड वार्ड बाउंस ना हो बाकी तुम लोग देख लो जो ठीक लगता है कर लो तो uh, अब ठीक है नहीं पता तो अब उस चीज के लिए मैं अनकंफर्टेबल नहीं हूँ इफ आई डोंट नो एनीथिंग जब पता करना होगा पता कर लेंगे बट इट डजेंट मेक मी अनकंफर्टेबल एनी मोर दैट आई डोंट नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इट यूज मेक मी वेरी अनकंफर्टेबल हम काफी समय था एक तो ये आई थिंक हम सीखा है। दूसरा um, हम लोग जो है ना ये ये यूपी वाले हम भाषा पे बहुत डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि हम एलोक्वेंट होते हैं है ना uh, तो हमारे एक्सप्रेशन में लैंग्वेज मॉड्यूलेशन यूसेज वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अब पल्लवी जो है वो महाराष्ट्र में बहुत कम बोलने वाले एक परिवार से है राइट right. और जिस तरह से वो हिंदी जोड़ती है उस तरह से हमारी हिंदी नहीं जुड़ती राइट किसी की हिंदी वैसे नहीं जुड़ती जैसे आपको चाहिए इसका मतलब ये नहीं उन्हें कम पता है यू नो आई थिंक हम आ, आ, हम लोग एक्सप्रेशन इवन एक्टिंग हमारी जो एक्टिंग है बॉलीवुड की आ, वो इतनी भाषा पर डिपेंडेंट है कि हम इमोशन पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि हमारे वर्ड्स है ना इतने स्ट्रांग लैंग्वेज है हम बैसाखी की तरह यूज करते हैं उसको तो वो मैंने उससे सीखा है वो बोलती कम है और हिंदी उस तरह इस्तेमाल नहीं करती बम्बैया हिंदी है जोड़ तोड़ के अपने अपने विचार सामने रखती है इट डज नॉट आई हैव लर्न टू अप्रिशिएट द फैक्ट दैट इवन इफ यू कांट एक्सप्रेस योर सेल्फ एज वेल डजंट मीन यू नो एनी लेस यू नो हमारा बिजनेस ऑफ एक्सप्रेशन है प्लस हमने अपब्रिंगिंग वो है अब भाई यू नो पी एच डी हिंदी साहित्य एम ए हिंदी साहित्य यू नो तो हमारा वो जो इकोसिस्टम इतना लैंग्वेज डिपेंडेंट है एक्सप्रेशन इतना लैंग्वेज डिपेंडेंट है कि कहीं ना कहीं वी फुगेट दैट इट्स नॉट द भाव जो है वो भाषा से बड़ा नहीं हो सकता बिल्कुल सो so, वो सीखा है मैंने और उसने मेरी एक्टिंग में बड़ी हेल्प की है हम्म बहुत हेल्प की है क्योंकि एक्टिंग में एक्टिंग भाव प्रधान होनी चाहिए भाषा प्रधान नहीं होनी चाहिए That's why you take pauses, you lock the camera, you smile. अगर बोलना पड़ जाए समझाने के लिए कई बार चीज तो फिर वो फिर फेल, फेल है और आपके बनाए भोजन पे फीडबैक आलोचना वो थोड़ी बायस्ड है ये आई थिंक ये ना हिंदुस्तान की जो नारी है वो जेनेटिक डिफेक्ट है पुत्र और पति कभी कुछ कुछ गलत नहीं कर सकता तो वो जेनेटिक डिफेक्ट है उसके अंदर उन कभी नुक्स निकालती नहीं में रणवीर ईशान हमेशा परफेक्ट है तो दोनों की वकालत सबसे आगे बढ़ तो आई थिंक वो थोड़ा सा हा, हा। तो इससे पहले कि मैं ऑडियंस जो हमारे गेस्ट किससे सवाल पूछने लिए तत्पर है उनकी तरफ मूव करू हमने व्यक्तियों के बारे में बात की कुछ विचारों पर बात की एक शहर के असर के बारे में भी बात कर लेते हैं जिसका नाम लखनऊ है सर बहुत बहुत आई थिंक यू आर द प्राइम एग्जाम्पल मैं तो हमेशा यही बोलता हूँ कि चाहे वो उरई है थोड़ा सा झांसी दिखता है आप, आप थोड़ा तो दिखता है ना फिर कानपुर तो दिखता ही दिखता है वो तो जाहिर सी बात है आप जितना मर्जी कह लें ठीक है आप आए दिल्ली आपने पढ़ाई करी लेकिन आप उरई कानपुर नहीं छुपा पाएंगे ना तो वो वो चीज़ हम नहीं वो शहर जो है वो हमारे व्यक्तित्व का क्योंकि जब हम बड़े हो रहे थे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि हम लगभग सेम ही एज के हैं चार साल का फर्क है हाँ तो हम जब बड़े हो रहे थे तो शहरों में व्यक्तित्व था हाँ हर शहर के ऊपर एक कॉमन कला ही नहीं हो रखी थी आज की डेट में हिंदुस्तान पे एक कॉमन कला ही हो रखी है इंडिया इज बीइंग आई एंड अंडर वट एवर यू इट डेवलपमेंट एस्पिरेशन जो मर्जी कलाई है आप जो मर्जी कलाई कह लें उसको एक कलई हो रही है अब लोग कह रहे हैं हिंदुस्तान जुड़ रहा है ठीक है चलिए बट एक शहर का जो व्यक्तित्व था वो एक इंडिविजुअल में झलकता था hmm. तो वो चीज तो हम हटा ही नहीं सकते वो चीज तो वी कांट वी कांट टेक इट अवे तो लखनऊ बहुत बहुत प्रिय है मेरे अंदर और लखनऊ झांकता है उस चीज को मैं डिनाई नहीं कर सकता अभी आ, 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 अभी हम बात कर रहे हैं अभी कोई लखनऊ वाला आएगा मेरी भाषा बदल जाएगी ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं है कि मतलब आ, आ, कोई डेलिबरेट शिफ्ट है सब कॉन्शियसली हमसे आप पे आ जाएंगे सब कॉन्शियसली लैंग्वेज आप कोई कानपुर वाला है आपकी भाषा बदल जाएगी मैं आज ही सुबह अपने दोस्तों से बात कर रहा था तो बाकी मैं किसी से बात करूंगा तो मैं हेलो ये सब बात करूंगा वो लोग जैसे ही स्क्रीन पे आए तीनों पहला शब्द निकला काय का <laughs> तो वो चीज़ आई थिंक और फिर लखनऊ का जो एक तो वो है पर्सनैलिटी ऑफ अ सिटी यू कैट रियली अवॉइड दूसरा ये कि खाना बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कल्चर ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट रहा है शुरू से लखनऊ के लिए hmm. खाना इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ कल्चर और एज अ सिटी लखनऊ में बहुत कम शहर ऐसे हैं जह, जहाँ पर पीस बहुत समय तक रहा है ज़्यादा ववाल नहीं हुआ है ज़्यादा हर यू you नो know, सरकारें नहीं बदलियाँ तो लखनऊ ने देखा है डेढ़ एक सौ सत्तर साल का पीस देखा है पीस बहुत ज़रूरी है कल्चर डेवलपमेंट के लिए वो कल्चर उसके जहन में बसा हुआ है तो वो आ, उस रिफ्लेक्शन में दिखता है एंड आई एम वेरी प्राउड एंड आई आई एम वेरी हैप्पी दैट हैव अप इन सिटी लाइक लखनऊ मैं तो आ, मैं जो भी हूँ फिफ्टी परसेंट बैक तो लखनऊ है और कबाब बनाने भी वहीं सीखे सबसे पहले कबाब वहाँ सीखे साहब बातें करनी वहाँ सीखी खाने के बारे में बातें करनी वहाँ सीखी किसी को किसी को बड़ी बहुत सिंपल सिंपल लखनऊ में कहते हैं कि देखो किसी को भरपेट मत खिलाओ और किसी को तब तक मत खिलाओ तब तक वो भूखा हो और ठंडा मत खिलाओ इतना गर्म खिलाओ कि मुंह जल जाए कि देखो आप भरपेट खिलाओगे व आदमी का पेट भरा हुआ है या आप उसका पेट भर के खिला रहे हो उसको तो उसके बाद बोलेगा यार ये अच्छा नहीं ये अच्छा नहीं थोड़ी भूख रहने दो दू। दूसरा भूखे को खिलाओ कहीं से खा के आया हुआ मत खिलाओ भूखा होगा तो अप्रिशिएट करेगा तीसरा गर्म खिलाओ गर्म जो है जल्दी जल्दी खाएगा <laughs> है ना तो ये सारी जो ये एक सब कल्चर सॉर्ट ऑफ बातें जो खाने के आजू बाजू होती हैं जो कहते हैं ना एक प्लेट खाना एक पतीला किस्से <laughs> वो वो सब जो है वो है वो तो लखनऊ ही है ना यस yes. मतलब हम जब हमने वीडियो बनाना शुरू किया यूट्यूब पे तो हमें बोला गया कि यार तीन से पांच मिनट का वीडियो होता है देखो यही होता है यही चलता है हमने निहारी वीडियो बनाया हमारी बातें खत्म ना हो सतरह मिनट का तो एडिट था वो अब हमारी तो अब लखनऊ की चीज़ बन रही है तो आप अपने आप लखनऊ तरीके से बनाएंगे उसको फैलेंगे बताएंगे हाँ तो फिर तो हमारे जो थे जिनों जो हमने कंसल्टेंट तो छोड़ गए नौकरी वो कहते भैया ये तुमसे नहीं होगा तुम ये तेरह पंद्रह मिनट वाले टाइप के आदमी हो तुमसे से छः मिनट वाले पाँच मिनट वाले वीडियो नहीं होंगे अब वो निहारी वाला वीडियो ऐसा चला मिलियन डेढ़ मिलियन ये वो तो उसके बाद फिर हमने कहा कि पंद्रह के नीचे तो अब वीडियो बनेगा ही नहीं कोई हमने कहा शॉर्ट फॉर्म गया तेल लेने है हाँ जो बात है वो बात होनी चाहिए ये सब हंस रहे हैं क्योंकि हम लोगों को YouTube ने Google ने बहुत सारे उदाहरण देके ये समझाने की कोशिश की कि तो आप छोटे वीडियो शॉर्ट्स बनाइए बनाइए और हम लोग की वीडियो होते हैं डेढ़ घंटे दो घंटे ढाई घंटे अरे आदमी तसल्ली से बातें नहीं करेगा तो क्या करेगा बहुत ज़रूरी है और हम ये रियलाइज नहीं करते हैं बट बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो जहनी चीज होती है ना एक 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 वो होता है जो पटाखा जो बज गया और बुझ गया एक होती लॉ जलती रहती है है ना लॉ जो है वो वो लॉन्ग फॉर्म है अब आप अगर आप मोमबत्ती जला रहे हैं तो मोमबत्ती जो है जलेगी पटाखा जो है वो शॉर्ट फॉर्म है ठीक है आवाज़ सुनी लोगों ने लेकिन दूसरे पटाखे की तरफ लेकिन जो जहन में रहता है वो लॉ रहती है कितनी सुंदर बात है क्या है आप लिखते हैं ये तो अंदाजा लग गया है बातों से. कुछ कुछ कविता तो आप बहुत डिप्रेसिंग है सुनिएगा मतलब जैसे आप अपनी मशहूरियत के प्रति निरासक्त रहते हैं वैसे आपने इसको भी बस यू ही सर मशहूरियत के प्रति तो मेरा एक फॉर्मूला है सिंपल के मतलब मेरी ट्वेंटी परसेंट एनर्जी हमेशा खुद को यह बताने में जाती है कि तुम कुछ नहीं हो वेस्ट ऑफ एनर्जी कह लीजिए बट एट्टी परसेंट रिजल्ट है उस ट्वेंटी परसेंट एनर्जी का क्योंकि उसको आप जब तक स्ट्रांगली वहमेंटली डिनाई नहीं करेंगे ना आपके अराउंड जो सिस्टम है वो हमेशा आपको कन्विंस करने की कोशिश करेगा तुम ही हो भाई यू आ... नो you know, तो आप जब तक उसको स्ट्रांगली और वहीमेंटली डिनाई नहीं करेंगे तब तक वो चीज काम नहीं करेगी उतनी ही उतना ही आपको कुछ भी करना पड़ेगा कौए को यह भरम नहीं होना चाहिए कि आसमान उसके सर पर टिका है हाँ। वो आसपास पास बताएंगे भाई तू ही आसमान हाँ। है हाँ। तो वो बहुत जरूरी है वो अपनी एनर्जी उस तरफ बट हाँ मेरे को लिखने का शुरू से शौक था इवन बिफोर आई वाज कुकिंग आई वाज राइटिंग मुझे अगेन आई थिंक लखनऊ पिताजी लिखते थे पिताजी बड़ा अच्छा लिखता था सुनाइए um, कुछ पिताजी का लिखा पिताजी का तो सर अभी है नहीं मैंने कुछ लिखा है वो है यहाँ पे बट बहुत सैड है छोड़िए आप नहीं 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 छोड़ेंगे तो तो वहाँ से आया मतलब आई जस्ट फेल्ट और शुरू से हरिवंश राय बच्चन जी बहुत 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 इंस्पायर्ड थे उनसे रामधारी सिंह दिनकर आ, वही है ना छोटे शहर में यूपी में बड़े होने का फ़ायदा ये है कि आपको ऐसे रेलवे स्टेशन में दो रुपए में महादेव वर्मा की आ, किताब मिल जाती है यू नो प्रेमचंद कि गोदान ऐसे मिल जाती है पांच रुपए में रेलवे स्टेशन के बाहर पटरी पे वो जो है ना वो आई थिंक मैंने लिखा सर एक दो हैं दुखी दुखी चीजें सुना देता हूं आपको सुना दीजिए भाई साहब मैं ये जानने में बहुत दिलचस्पी रखता हूं कि मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक ये एक लाइन है नहीं छूटती है पुरानी आदत नहीं छूटती हैं पुरानी आदतें पुरानी गरीबी पुरानी मायूसी नहीं छूटती हैं पुरानी आदतें पुरानी गरीबी पुरानी मायूसी साथ रहती हैं जेबों में बचते पुराने सिक्कों की तरह क्या बात है वो आई कॉल द मिडिल क्लास जीन जितना मर्जी हम कर ले हमारे अंदर वो है वो ऐसे जे टन, टन 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 बजती रहेगी से आवाज आनी चाहिए बस पहाड़ों पे जब गए थे तब एक लिखा था वो थोड़ा इतना सैड नहीं है चलो ये एक कुछ और है सर ये ये भी साइड पर चलने देते हैं अभी एडिट हो जाएगा सब कुछ भी एडिट नहीं होता है <laughs> ये ललन टॉप ओके okay. जानता हूं जो है मेरे अंदर है अच्छे बुरे दिन भी वो धूप छाओ भी जानता हूं जो है मेरे अंदर ही है अच्छे बुरे दिन भी वो धूप छाओ भी अकेले चलने की भूख भी दुनिया के पैसे का चाव भी वो मतलब ही सा शहर भी वो पीछे छूटा भोला गांव भी ठंडी सूनी रात भी अंदर है रात में जलाने का अलाव भी जानता हूं कि जो भी है मेरे अंदर कि जिसमें डूब के जाना है मेरे अंदर ही वो समंदर है जानता हूं जानता सब हूं वो कोई बात नहीं जानता सब हूं वो कोई बात नहीं बस नशा है गिराने का गहराइयों में खुद को उठाने होते हैं वो दर्द के पीठ छीलने वाले भारी पत्थर उठाने होते हैं वो दर्द के पीठ छीलने वाले भारी पत्थर क्योंकि अगर वजन ना हो तो बह जाएगी अंदर की नाव भी खुशियां हल्की होती हैं सबको दूर उड़ा ले जाती हैं खुशियां हल्की होती हैं सबको दूर उड़ा ले जाती हैं लड़खड़ा के देखो उठा के देखो कभी पत्थर खेलो कभी ये दुख का दांव भी जानता हूं मेरे अंदर जो है मेरे अंदर है अच्छे बुरे दिन भी वो धूप छाओ क्या बात चलिए साहब अभी बहुत सारे लोगों के सवाल हैं शुरू किया जाए हाँ ये उपासना जी हैं पहला सवाल ये पूछेंगे सर मेरे दो सवाल हैं जी है जब हम लोग यूजुअली ऐसा होता है कि घर में मम्मी लोग बोलते हैं या फिर दादा दादी बोलते हैं कि इस चीज को इस चीज़ के साथ नहीं खाना चाहिए हुँ। खासतौर पर मुझे खीरे का रायता बहुत पसंद है लेकिन कुछ लोग हैं जो आयुर्वेद की थेरेपी को फॉलो करते हैं या थेरी को फॉलो करते हैं वो कहते हैं खीरे को दही के साथ नहीं खाना चाहिए ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं लेकिन जब हम मॉडर्न कुकिंग देखते हैं जो हम फैंसी कुकिंग देखते हैं उसमें तमाम तरह के एक्सपेरिमेंट होते हैं लेकिन ये जो कॉन्ट्राडिक्शन बन रहा है ये रियालिटी क्या है इसके पीछे कि क्या वो एक्चुअल में नुकसान करते हैं या फिर कैसे अवॉइड कर सकते हैं या किस हद तक ले सकते हैं देखिए नब्बे प्रतिशत हर चीज़ जिसमें कि आपके दादा दादी कहें कि क्योंकि ऐसा ही होता है वो सही है नब्बे प्रतिशत अनफॉर्चुनेटली क्या है कि खाना जो है ना वो कॉज एंड इफेक्ट है राइट बहुत बहुत समय तक बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी हम कुछ खाते हैं उसका असर देखते हैं हम एक धारणा बनाते हैं हो सकता है हमें अभी ना दिख रहा हो लेकिन जो जो उनके ओपिनियंस हैं वो ओवर अ पीरियड ऑफ ओवर पीरियड ऑफ जनरेशन बने हैं जो पास डाउन हुए हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कभी कभी मन की करिए लेकिन ऑलवेज ट्रस्ट द फैक्ट के आपके शरीर के लिए जो अच्छा है वो आपके शरीर को पता है और जो एक जनरेशनल इंटेलिजेंस होती है खाने की उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए

दर्पण जी आइए आप तो कभी व्यक्ति हैं है। जी माइक दीजिए मैं सिनेमा टीम से हूँ दिख रहा है भाई अरे आपको इग्नोर कैसे करेगा कैमरा हाँ हाय हाँ। सिनेमा टीम से हूँ तो मेरा इंटरेस्ट ज्यादातर इस बात को जानने में है कि आप एक्टिंग करियर आगे ले जा रहे हैं अगर हाँ तो कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में आप हमें थोड़ा बहुत बता सकें एक प्रोजेक्ट अभी आ रहा है जी एक फिल्म करी है करीना के साथ अभी विंग um, टाइटल उसका है बकिंगम मर्डर्स तो अभी होपफुली uh, एक दो महीने में रिलीज हो जाएगा लंदन में शूट किया था एक वो है उसके बाद हम ये इंतज़ार कर रहे हैं कि ये इसमें थोड़ा हमने एक्चुअली में काम किया है थोड़ा खुद को भी डाला है तो फिर वो एक बार देख के फिर डिसाइड करेंगे कि जिंदगी की नाव थोड़ी सी उधर को लेके जानी है कि एंड लेट अदर्स डिसाइड थोड़ा इसको खोल के बता दीजिए खुद को भी डाला है मतलब खुद को मतलब uh, क्या है कि वो uh, हम लोग को एज शेफ्स ना प्रोजेक्ट करने की इतनी आदत पड़ जाती है ना कि हमको बिल्कुल इनवर्स uh, करना पड़ता है अपना मैथड हमको बिल्कुल उल्टा जाना पड़ता है अपने अगेंस्ट तो बहुत मेहनत डबल मेहनत करनी पड़ती है कैमरे के सामने एनर्जी फेंक फेंक के प्रोजेक्ट करने की सडनली यहाँ पर आपको फेंकना नहीं है यू you नो know, आपको सिर्फ इंटरनलाइज करना है सब कुछ तो मुझे लगा है कि मैंने काफ़ी मेहनत करी उस प्रोसेस को समझने के लिए खासतौर इस रोल के लिए क्योंकि रोल भी ऐसा था जहाँ पर बोलना कम था इंटरनलाइज ज़्यादा करना था तो आई एम वेरी वेरी कॉन्फिडेंट दैट पीपल विल अप्रिशिएट आई डन और उसके बाद फिर मैं कुछ ऑफर कुछ आए हैं मैंने अभी तक लिए नहीं आई एम जस्ट वेटिंग फॉर दैट फिल्म टू कम थ्रू ये आपको पहाड़ से बेपनाह मोहब्बत है और गरिमा जी हमारे न्यूज रूम में पहाड़ का प्रतिनिधित्व तो करती हैं कुमायूं का जी गरिमा uh, मेरा सवाल यह है कि जो कुकिंग शोज का फॉर्मेट है वो अब इन दिनों ऐसा क्यों हो गया है कि कुकिंग के साथ साथ उसमें ड्रामा भी ऐड कर दिया जैसे बिग बॉस देख रहे हो या कोई दूसरा शो देख रहे हो क्या वजह है इसके पीछे आ, इसमें थोड़ा सा मैं सप्लीमेंट्री सवाल जोड़ लेता हूँ शो और बाकायदा बहुत सारे उदाहरणों के साथ लिखा गया कहा गया कि पक्षपात करते हैं पंच परमेश्वर नाम लिए गए और वो बहस यहाँ तक चली गई कि फलाने को सिर्फ शाकाहारी होने की वजह से इतनी छूट मिली ढिकाने को वीगन होने की वजह से क्यों नहीं मिली और बहुत सारे उनके नाम भी लिखे गए हैं और ये भी कहा गया कि कुछ लोगों के बनाए व्यंजन औसत से नज़र आते हैं फिर भी उनको सराहना मिलती है क्या टी के वास्ते सब तयशुदा होता है स्पॉन्टेनियस होता है या जजिस के अपने बायस भी होते हैं देखिए खाना जो है ना आम... वो अनफॉर्चुनेटली एक डांस शो या एक म्यूजिक शो की तरह बड़ा पर्सनल एक्सपीरियंस हो जाता है मतलब आप डांस देख रहे हैं एज एन एज एन ऑडियंस आप एक जजमेंट फॉर्म कर सकते हैं है ना अनफॉर्चुनेटली कुकिंग शोज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि चखने वाला सिर्फ एक अब आप हो सकता है कि जो दिख रहा हो बहुत ही गंदा हो लेकिन अगर चखने वाला जो है वा कह रहा है कि भाई ये बहुत अच्छा है तो आपको उसको ट्रस्ट करना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली क्योंकि और कोई तरीका नहीं है अब किसी को वो एक्सपीरियंस कराने का आप जो है इसलिए प्रोसेस से आप अटैच ज्यादा होते हैं hmm. है ना जैसे जो सिंगिंग रियलिटी शो है उसमें रियाज नहीं दिखाया जाता ना राइट right? या डांस रियलिटी शोज में रिहर्सल इतना नहीं दिखाया जाता परफॉर्मेंस दिखाया जाता है पे कुछ लोग अच्छे से बोलते हैं कुछ लोग अच्छे से नहीं बोलते हमको प्रोसेस जज नहीं करना है ना कौन झगड़ रहा कौन नहीं झगड़ रहा हमको क्या जज करना है हमको तो यह जज करना है हमारे सामने क्या है भाई जी है ना अब उससे पहले क्योंकि आप कोई बड़े अच्छे से प्यार से बना रहा है किसी से झगड़ के वो खाना लेके आया है ये करके आया है वो करके आया है इवेंचुअली द प्रूफ इज इन द पुडिंग और ये चीज़ जो है ये अभी तक कोई क्रैक नहीं कर पाया है फॉर्मेट में कि भाई ये इस चीज़ को कैसे अवॉइड करें उसी चीज़, वही चीज़ इस फॉर्मेट की स्ट्रेंथ बन गई है अब लोग पर्सनैलिटी से अटैच हो जाते हैं क्योंकि आप वो प्रोसेस पे इतना फोकस रहता है तो लोग पर्सनैलिटी से उसके न्यूंसेस से अटैच होते हैं अब जिसको जो पसंद है उसका खाना चखने पे वैसा नहीं है। अभी मैंने बोल दिया नमक कम है जी आप तो नहीं कर सकते ना टेस्ट हाँ। तो अब आपको ट्रस्ट करना ही पड़ेगा ना जो टेस्ट कर कर है। करना पड़ेगा अब आपका फेवरेट कंटेस्टेंट हो हो सकता है वो। हो सकता है है वो कि डिश बड़ी अच्छी दिख रही हो यू नो सो आई थिंक ये जो है एक, एक, इस फॉर्मेट की ब्यूटी भी है और इस फॉर्मेट का एक डाउन साइड भी लिमिटेशन भी तो एक तो ये है दूसरा क्या होता है कि You are as good as your last dish. Yes. आप बड़ी मेहनत करके आए हैं सेमीफाइनल है और आप एक एलिमिनेशन में फंस गए अभी तक आप सौ में सौ थे आपकी एक डिश जो है सौ में सत्तर रह गई बाकी सौ में अस्सी बना दी और वो एलिमिनेशन एपिसोड तो उसका दुख हमको भी होता है नाइनटी सिक्स वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका हो गया हाँ सो so, वो वो जो है ना अनफॉर्चुनेटली फॉर्मैट ट आर ऑल्सो द स्ट्रेंथ ऑफ द फॉर्मैट तो वो वो चीज जो है वो विच इज ग्रेट मुझे क्या लगता है कि चलो लोग अगर बोल रहे पार्शलिटी हो रही है अच्छा है इसका मतलब लोग पर्सनैलिटी से कनेक्ट हो रहे हैं। मैं अपना काम कर रहा हूं मेरी रोजी रोटी है मैं रोज का काम है यार मैं खाने पर झूठ थोड़ा ना बोलूंगा तो मैं अपना काम कर रहा हूँ बट द फैक्ट देट पीपल आर से बेमानी हुई है एटलीस्ट लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं वो एटलीस्ट वो जो प्रोसेस है उससे कनेक्ट हो रहे हैं विच इज फैंटेस्टिक और कोई सवाल आपका गरिमा और ये जो ड्रामा वाला पार्ट है ना ये तू आंसर दट ये सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट जो आपने ये ड्रामा इज अ फंक्शन ऑफ डिमांड है ना अनफॉर्चुनेटली ऐसे ललन टॉप बहुत कम है अदरवाइज आपका न्यूज जॉनर का एग्जाम्पल मैं देता हूं है ना

रिफ्लेक्शन ऑन अस एज अ सोसाइटी ड्रामा इन आर कॉन्टेंट एंड 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 आई डोंट वॉच न्यूज चैनल अग्रेशन इन आर न्यूज इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आर अग्रेशन इन ड्रामा दैट इधर वी हैव और वी आर मिसिंग इन आर लाइफ अनफॉर्चुनेटली क्यों हो गया रणवीर आप वेन यू थिंक और मैं आपसे सहमत हूं जो न्यूज़ को लेकर आपने कहा उस पर भी और एक समाज के तौर पे हमारे भीतर जो मिसप्लेस्ड एंगर है उसको लेके भी क्या वजह लगती है आपको सर बहुत सारी वजह हैं अभी ये तो मतलब आई थिंक सोशल अपीवल जो है वो आ, एक बहुत एसेंशियल पार्ट ऑफ सोशल ग्रोथ है है ना आ, और और ये क्रेस्ट एंड टर्फ जो है वो सोसाइटी के Um, जो जो दबा है वो उठेगा जो उठा है वो दबेगा सिविलाइजेशन कल्चर सोसाइटी चलती है तो मैं इसको एक एक छोटे से सोशल अपीवल के तौर पे देखता हूँ चीज़ें नॉर्मलाइज होंगी मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि um, अंत में प्यार ही जीतता है जितना मर्जी हम कोशिश कर लें मैं तो अपने आप को मैं uh, वो काग्नेटिव डिसनेंस बोलते हैं ना अंग्रेज़ी में रात को अंडर द शावर वेन आई स्टैंड दिस इज़ वॉट आई टेल माई सेल्फ दैट इन एंड लव इज गुड विन बट इट्स अ अ इट्स एक जो सोशल अपीवल है उसका रिफ्लेक्शन दूसरा डिस्पैरिटी का रिफ्लेक्शन है ये जो एंगस्ट है सोशल एंगस्ट ये सोशल डिस्पैरिटी से आता है जब आप यहां हैं और आपके सामने कोई वहां है और आप यहीं हैं और वो वहां पहुंचता जा रहा है और आप रोज देख रहे हैं अपने फोन पे आपके पास वो एक्सेस है तो वो एक एंगस्ट जो बिल्ड होता है वो एंगस्ट को um, एक, 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 जी चेतना हेलो uh, सर मेरा नाम चेतना प्रकाश है uh, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता लेकिन मैं मास्टर शेफ के सारे एपिसोड्स देखती हूँ सर उसमें एक कंटेस्टेंट का uh, कहना था कि अब तो सॉस बॉटल्स में बंद होके आते हैं तो हम अब सॉस बनाने में कोट एंड कोट टाइम वेस्ट क्यों करें इसमें आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया था तो अब कहीं ना कहीं एक ट्रेडिशनल और मॉडर्निटी का जो लाइन है वो ब्लर होते जा रहा है हैं अगर आप घर पे खाना बना रहे हैं, आप बॉटल से निकालिए मैं खुद कितनी बार बॉटल से निकालता हूँ यार मैं आपको बोलता हूँ ये, इसको ये, ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो जैसे मन करे वैसे कर लो बना लो यार. पर जब आप बोल रहे हैं, मैं मास्टर शेफ बनूंगा और मैं उस शो का एक बेंचमार्क है इंडिया में खाने का एक बेंचमार्क सेट करूंगा उस जगह पे वो स्टेटमेंट एप्ट नहीं है या okay. yeah? और आपको खाना बनाना आए ना आए आपको कोई एक ऐसा काम आना चाहिए जिससे आप अपना पेट भर सके है yeah. ना आपके जेंडर से ये तय नहीं होगा कि आपको क्या आना चाहिए yeah. न, है ना ठीक है पर कुछ चीजें हैं जो लाइफ सेविंग होती हैं जैसे ड्राइविंग स्विमिंग और बेसिक कुकिंग है ना कहीं अटक जाए तो कुछ भून के खा लें जी अगला सवाल अरे सब ये सब ना वो है ये सब सेल्फ वुंड्स हैं मुझे खाना बनाना नहीं आता अरे खाना हम बनाते ही फंक्शन ऑफ हीट बीइंग अप्लाइड टू एन हम खाना तो आग बनाती है आप तो खड़े होते हैं चूल्हे पे साइड में न्यूज सुन रहे होते हैं कुछ कर रहे होते हैं जी रणवीर जी नमस्कार, नमस्कार।, नमस्कार। आ, मैं थोड़ा डिलेमा में हूँ कि मैं किस चीज़ को लेकर आपसे सवाल पूछूं क्योंकि अव्वल जो आपने शहरों की बात की अभी मैं हाल ही में नीलाक्षी सिंह की खेला पढ़ा था तो मैं आपसे पूरी तरह इतफाक़ रखता हूँ कि अब वो वो एक जो और है इंडिविजुअल शहरों शहरों का वो नहीं रहा है उस विषय में एक लंबी टिप्पणी आपसे मांगूँ या मैं कुछ एनालिटिक्स के बारे में आपसे सवाल पूछूं कि लॉन्ग फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म में क्या जैसे आपने थोड़ा बहुत कहा था उस बारे में सवाल पूछूं या चूंकि मैं कुमाऊँ से ताल्लुक़ रखता हूं तो कुमाऊँ के फूड आ, के बारे में पूछूं या लास्ट में होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कोई सवाल पूछूँ कि लोगों ने करियर आ, कैसे अपनाना चाहिए लेकिन लेकिन लास्ट में, में मेरा सवाल मैं एक टिप्पणी चाहता हूँ आपसे आप क्योंकि विस्तारपूर्वक अगर दे पाए वीगनिज्म के बारे में आपकी क्या राय है फिलोसफर इज़ अ पोएट पब्बलिश एक्नोलेज पोएट राइट ब्यूटिफुल दर्पण जी चूंकि यहाँ यूट्यूब के हेड हैं इसलिए उन्होंने एनालिटिक्स से जुड़ा सवाल पूछा आप ही की तरह इन्होंने भी होटल मैनेजमेंट की हॉस्पिटैलिटी की पढ़ाई की है इसलिए तो इन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे और ये बहुत कट्टर किस्म के वीगन हैं और ये अपनी कट्टरता को वैज्ञानिकता का लिहाज पहना के घूमते हैं देखिए मेरा जो इसमें ओपिनियन है ना ये इसका आंसर जो है वो आ, वो न्यूज चैनल्स में ही है वीगनिज्म जो है इट्स अ फंक्शन ऑफ जो एक रिप्रेस्ड सेक्शन था आ, एक रिप्रेस्ड सोशल सेक्शन अपनी डाइट की वजह से वीगनिज्म इज द द the, रेवल्यूशन um, the वो उनकी क्रांति है दिस इज देयर मोमेंट फॉर अ सेक्शन ऑफ पीपल राइट विच आई अप्रिशिएट फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बहुत समय तक एक आवाज नहीं थी इस तरह के खाने को uh, मैं पर्सनली इस बात में मानता हूं कि अगर प्रकृति ने बनाया है खाने के लिए तो खाना चाहिए हमारा जो शरीर है इट्स अ नेचुरल ऑर्गेनिज्म और उसके अंदर जो नेचुरल चीज़ जाए जो उसके लिए बनी हुई है उसका नुकसान नहीं करेगी राइट प्रोसेस्ड अल्ट्रा प्रोसेस्ड चीज़ें वो चीज़ें जो प्राकृतिक नहीं है वो कॉन्वर्सेशन अलग है बट अगर प्राकृति ने खाने के लिए बनाया है तो खाना चाहिए इस पर हम चर्चा कैमरा बंद होने के बाद भी जारी रखेंगे लखनऊ से डॉक्टर सरवत फातिमा है

एक एक आदिशक्ति करके एक थिएटर वर्कशॉप होती है दस दिन की वर्कशॉप होती है मैंने ना बहुत पहले पांडिचेरी में सात आठ साल पहले वो करी थी जब मुझे लग रहा था कि मैं खुद को ही टीवी पे देख देख के पक चुका हूँ एक रिदम सा बन गया था अजीब सा हो गया था मैं प्रोडिक्टेबल सा हो गया था तो मुझे समझना था कि ये मेथड क्या है इस रिदम को ब्रेक करने का तो मैंने वो करी थी और वहाँ से मैंने कलरी पार्ट सीखा जो मैं आज तक यूज़ करता हूँ तो कलरी मोर देन थिएटर आई टुक बैक कलरी पार्ट फ्रॉम देयर बट ट्रांजिशन मैं उसको ट्रांजिशन के तौर पे देखता ही नहीं हूं आई थिंक इंटरनल हम जब कुक भी करते हैं तो हम इंटरनलाइज ज्यादा करते हैं एक्सप्रेस कम करते हैं अगर मैं अगर मैं 40 चीजें सोचता हूँ तो एक डिश बनाता हूँ अगर मैं 20 कविताएं लिखता हूँ तो हिम्मत करता हूँ कि एक आधी लाइन पढ़ सुना दो ना तो वो एक्टिंग इज द सेम वे आप आप इंटरनलाइज ज्यादा करते हैं एक्सप्रेस कम करते हैं तो मेरे को इतना कोई मैं यूं कह दूं कि कोई वर्कशॉप करनी पड़ी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हाँ ये थे लोग आजू बाजू के बहुत सपोर्टिव थे हंसर सर ने बहुत सपोर्ट किया प्रतीक ने बहुत सपोर्ट किया बट देर वॉज नो वर्कशॉप दैट हैपन एक दिन पहले स्क्रिप्ट रीडिंग हुई अगले दिन उन्होंने उन्होंने चढ़ा दिया घोड़ी में बोले चलो तो आई जस्ट फील वंस अगर आपको खाने के जरिए एक्सप्रेस करना आ जाता है ना तो बाकी चीज़ें एक्सप्रेशन ज द ट्रिक मीडियम चेंज ऐसे में ये आया क्या कि आ, पहली बार इस तरह से बड़े पर्दे पे डेब्यू कर रहा हूँ और जो रोल है तो वो मेरी इमेज में क्या जोड़ेगा घटाएगा मैं पीछे देखना ही नहीं ना राइट सॉर्ट ऑफ मेरे पेरेंट्स ने बोला हाँ. कि यार देख लो तो मुझे मेरे को याद आ गया अपना बचपन मैंने कहा राइट सॉर्ट ऑफ अनकम्फर्टेबल है हाँ। ये मजा आएगा क्योंकि अब ये ये वैसे ही परेशान हो रहे हैं। जैसे अभी मेरे को बोला था ना मैं शेफ बनूंगा बोला देख लो वो वाला अनकंफर्टेबल सो इट वाज द राइट सॉर्ट ऑफ अनकंफर्टेबल बाकी सर इमेज का क्या है मतलब देखिए जो बहता पानी बालेंदु जी हैं न्यूयॉर्क से आए हैं ललन टॉप के दर्शक हैं पूछिए सवाल या जी रणवीर जी बालेंदु मिश्रा नाम है मेरा मैं जर्सी न्यूयॉर्क में काम करता हूँ सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरा एक क्वेश्चन तो ये है शायद ये क्वेश्चन डेफिनेटली पहले कवर हो गया होगा क्या क्लिक किया आपको इस फील्ड में जाने के लिए ये पहले से प्लान था गोल था आपको कि वहीं जाना है कि कुछ हुआ ऐसे कि आपको इस फील्ड में इस फील्ड मतलब मैं कुकिंग की बात कर रहा हूँ एक्टिंग की नहीं तो कुछ ऐसा क्लिक हुआ ऑल सडन की इधर जाना था या कुछ ऐसे हुआ या आपने सेव गिरा या एक लंबा प्रोसेस था जैसे आधार पे दाल पकती हमारे बुंदेलखंड में और दूसरा क्वेश्चन साथ में ही पूछ लेता हूँ आप एक साथ आंसर करिए आप न्यूयॉर्क में कुछ जैसे विकास जी का जलसा है उस तरह का कुछ सोच रहे हैं इस तरह का कुछ या है पहले से सर पहले वाला आंसर करता हूँ पहले तो मेरा जो एक स्वभाव में एक जिस चीज के लिए मैं बहुत सम थिंग्स आई डोंट लेट गो बाकी मैं जैसे ना बहता पानी एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है हर एक मैं ये बिलीव करता हूं हर इंसान को मैं कहते हैं एक एल्थ होनी चाहिए मतलब एक खुजली होनी चाहिए एक खुजली अलाउड है हर एक को मेरी खुजली ये है कि मैं स्टेटस को नहीं करूंगा वो क्यों वो क्यों करूं जो जो हो रहा है या आपकी बात सुन के आपकी बात पर यकीन नहीं करूंगा जब तक मैं उस बारे में पढ़ ना लू सिंपल मेरी मेरी सिंपल एक ये खुजली है जो मैं आई ऑलवेज होल्ड ऑन टू इट

एक स्पॉन्टेनिटी जो है ना जो खाने की मुझे बहुत अट्रैक्ट करती है है ना कहीं वो बो, मैंने बोला ना कहीं पर चार ईट लगाओ चालू कर दो और खाना बन जाएगा वो वो चीज वो दोनों चीजें मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी इसलिए आ, कुछ जिद थी कुछ अतरंगी पना था खाने का तो वो था दूसरा सर बॉस्टन में हमारे बड़े सारे रेस्टोरेंट है सात रेस्टोरेंट हैं तो आप जर्सी से बॉस्टन जाए कभी तो जरूर चेक आउट करें सोल ऑफ इंडिया करके है करके ऑफ इंडिया दो है स्पाइस बॉक्स दो है तो आप जरूर ट्राई करें माइक माइक पे, नहीं nee, ये आपने अच्छा बता दिया तो मैं ऐसे प्रोमो कोड भी अनाउंस कर दूं कि बॉस्टन के ललन के का क्या नाम बताया सोल ऑफ इंडिया सोल ऑफ इंडिया जी ये आ, अच्छा वही बैठे बैठे पूछो ना उठ क्यों गए लोगों को पता चले तुम करते क्या ये जेरी जी हैं जेरी का नाम क्या है मनोज ये तो बी कॉलिम जेरी सो हाँ तो ये मनोज जी हैं ये बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और लॉकडाउन में ये मेरे और मेरी पत्नी के साथ ये और एक हमारे और साथी थे राकेश सो वी वर टुगेदर फॉर गुड फोर्टी फोर्टी फाइव डेज जस्ट फोर ऑफ अस और जेरी जी के जिम्मे आया था सब्जियाँ काटने का काम और ये इतने लालित्यपूर्ण ढंग से सब्जियां काटते थे जैसे बाहुबली तीन तीर दागता था जय जी आपका सवाल <laughs> मेरा सवाल है सर कि जैसे जब मैं भी सब्ज़ी काटता हूँ तो मेरा एक फ्रस्ट्रेशन निकलता है उसमें और लॉकडाउन में जब की बात कर रहे हैं सर तो उस समय बहुत फ्रस्ट्रेशन था आप एक तो बंद थे आप खबरें देख रहे थे क्योंकि तो हमारा पेशा भी वही है कि खबरें सुनना जगह जगह खबर बहुत फ्रस्ट्रेशन था तो मेरा निकलता है तो आपने कुकिंग जो शुरू की वो किस वजह से शुरू की यही मतलब कुछ अपना एंगर निकालना है या फिर एक शोक आया सो बिफोर यू रिस्पॉन्ड ऑल दिस वाइल जिसको मैं लालित्यपूर्ण ढंग से सब्जियां काटना कह रहा हूं तो निकल रहा था मेरे को ओनली एंगर हाँ <laughs> हाँ मतलब मेरे को वो मेरी और जो इतना अच्छा तुम खाना बना रहे थे वो भी गुस्से में बना रहे नहीं खाना तो जैसे उन्होंने कहा कि वो आप खाली खड़े हो वो बन रहा है आपको उसको प्यार दे रहे हो जी रणवीर नहीं देखिए मैं फ्रस्ट्रेशन वाला तो नहीं था कभी आई um, थिंक जहां से मर्जी शुरू हो इवेंचुअल गोल सेल्फ एक्सप्रेशन है है ना तो अगर आप अगर आपकी कहानी फ्रस्ट्रेशन से शुरू हो रही है वो इट डजंट रियली मैटर वेयर द स्टोरी एंड्स इज व्हाट मैटर्स इवेंचुअली अगर आप अपने आप को अपनी बनाई हुई डिश में ढूंढ पा रहे हैं छोटे-छोटे स्मॉल पार्ट्स ऑफ यू ट यू कुक दैट द इवेंचुअल गोल अब वो मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था कि यार ये सब नहीं करना ये सब एन डी ए सी पी एम टी आई आई टी पी एम टी ये सब नहीं करना बस मेरे लिए सिर्फ वही था कि... एक वील कमती हो ये रजत सैन है हमारे प्रोडक्शन हेड है इनका ओपन थोड़ा हटाओ तो ये तो फ्रस्ट्रेशन में सब्जियां काट रहे थे ये इम्तियाज अली के गानों पर डांस कर करके वीडियो बना के लॉकडाउन गुजार रहे थे और तब इन्होंने भी कुछ बनाना सीखा माइक दीजिए माइक दीजिए क्या क्या मतलब बनाना सीखा रज्जी बोल बनाना तो क्या सीखा मतलब क्या सीखा <laughs> सेम तड़का होता है सब चीजों का मैं नहीं होता है। <laughs> नहीं मैं तो जो बनाता हूँ अपना ही बता सकता हूँ ना हुँ. तो सेम तड़का लगाता हूँ बस जैसे लगा लो कि छोले हुए राजमा हुए इनमें मलाई डाल देता तो हूँ एक चम्मच एक्स्ट्रा हाँ. और इनका मसाला अलग से होता है जैसे वो किचन किंग होता है उसके अलग अलग होते हैं पर खाने वाले हर बार कहते हैं इस बार अलग बने अच्छे बने तो सही है अपनी दुकान चल रही है तो लॉकडाउन में और कोई ऑप्शन भी नहीं थी भले अलग बनते हैं वो आपको लग रहा है कि आप सेम चीजें बनाते हैं थोड़ा सा टाइम और थोड़ा सा टेम्परेचर और आप जहाँ खड़े हैं आपको कितनी जल्दी है आपको कितना पेशेंस है उससे हाँ, उसमें बहुत तसल्ली है तो ये जो आपने अभी मंत्र दिया है ना कि खाना आप नहीं बनाते वो आंच बना रही होती है तो ये काम करेगा अगली बार से तो अभी मुझे यही लग रहा है कि मैं इसे पकने देता हूँ खूब देर तक तो मुझे लगता है वो आग ही काम कर रही है किसी, दो किसी दो का खाना गड़बड़ हुआ तो वो भी यही कहेगा कि ये हमारे प्रोड्यूसर है गौरव जी ये नेता नगरी हमारा बड़ा मशहूर शो है अभी दो एपिसोड उसके होने वाले हैं ये जानना चाह रहे थे आपके आने से पहले की एक अच्छी मैगी कैसे बनाई जा सकती है देखिए तीन हफ्ते में वीडियो आने वाला है। बट मैं आपको तीन चार बेसिक बेसिक चीजें बता देता हूं जहां गाड़ी अटक जाए वहां या तो मक्खन या तो घी वो वीगन है वो नाराज हो जाएंगे या तो या तो मक्खन या तो घी या तो मलाई और या तो धनिया <laughs> मैं, मैं इस पर कुछ कहना चाहूंगा पहले जब आप आ रहे थे ना तो हम लोग प्लान कर रहे थे कि बुके की पीछे गया था टीवीसी शूट था उन्होंने जैसे वो वैनिटी के अंदर रखते हैं ना हेम्पर रखते हैं साथ में बुके रखते हैं खाने की चीजें रखते हैं इतना बड़ा धनिया का बंडल रखा हुआ था आप मैंने कहा लोगों ने बहुत सीरियसली ले लिया इस चीज को नहीं नहीं और पर जो लोग धनिया के प्रेम में हैं वो बस इस बात का याद रखें कि धनिया देसी हो जिसकी गमक हो आजकल हाइब्रिड के नाम पे बड़ा स्कैम भी चल रहा है सिर्फ दिखती हरी है खुशबू ना के बराबर धनिया सर एक चीज और पूछना चाहता हूं कि कुछ केमिस्ट्री होती है गजब की जैसे आपकी जो है मन्नू भाई के साथ है जो है वो कैसे इवॉल्व हुई मुझे लगता है कि शायद आप बता रहे हैं कि खाना कैसे बनाना है तो बड़ा मोनो टोनस हो रहा था वहां वो आते हैं और वो मोनोटोनस जो चीज है वो टूटती है और गजब का है फिर जो देखने वाला उसको कुछ दिनों के बाद समझ में आता है यार ये तो एक्टर है <laughs> इसकी क्या कहानी है देखिए मन्नू भाई जो है वो एनएसडी ग्रेजुएट है अच्छा और बहुत बहुत कमाल के एक्टर है और आज भी अकेले गोरखपुर में नौटंकी करते हैं जब मूड होता है तो महीने भर तक नौटंकी करते हैं अकेले स्टेज संभालते हैं तो वो उनकी काबिलियत पर रिफ्लेक्ट करता है हमारा तो हमारी तो आदत है बातें करने की तो अब कोई भी खड़ा हो जाए चाहे मनुभा खड़े हो जाए हम तो बातें करते हैं आई थिंक वो उनकी काबिलियत पर रिफ्लेक्ट करता है कि लोगों को इतना पसंद आया बट यू आर राइट ये जो कॉन्वर्सेशन uh, जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है खाने में प्रोजेक्शन बिकम्स बोरिंग आफ्टर अ पॉइंट टाइम जी इधर माइक दीजिए ये हमारी से गौरी जी हैं बड़ी अधिकारी हैं है ना ये कुछ सवाल ये आज पहली बार आई हमारे शूट पे नहीं ये अब कैमरा आ गया अब तो पूछना पड़ेगा कोई सवाल नहीं, है। नहीं आपको कुछ नहीं पूछना बस देखने आई दूर से रणवीर बराड़ को पूछिए वी रियली लव योर शो और इतने मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है बट आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि इतने प्यार से आप डिश बनाते हैं और इतने लगन के साथ वो बनाते हैं कि वो देख के शो मजा आ जाता है

ये सब देखने आए हैं बस हाय रणवीर मैं अगेन आई रियली लव द वे हाउ यू प्रेजेंट स्टोरी टेलिंग सबसे इंपॉर्टेंट दूसरी चीज मैं पूछना चाहती हूँ आजकल बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं इंस्टाग्राम पर कुकिंग की और पूरे एस्थेटिक्स के साथ सब कुछ बड़ा सुंदर सारी चीजें अच्छे से हो रही हैं लेकिन मैं पर्सनली जिस चीज से सबसे ज्यादा जूझती हूँ वो है मेस द मेस दैट इज बीग क्रिएटेड जो कुकिंग के दौरान होता है तो मैं बस जानना चाहती हूँ जो जितना सब साफ सुथरा दिखता है सारी चीजें दिखती हैं और वो जो उसके पीछे की पूरी कलाकारी है 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 उससे आप आप कैसे पर्सनली डील करते करते क्या क्या वो फ्रस्ट्रेटिंग होता है, पूरा एक्सपीरियंस या हाउ इज इट फॉर यू हैं आई एम अच्छा आपके आ, 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 सत्ताईस साल से खाना बना रहा हूँ सत्ताईस साल में आप अपना मेस क्लीन करना सीख जाते हैं uh, तो मैं इसीलिए कहता हूँ दैट यू नो यू कमिंग ऑन टेलीविजन इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक श्योर यू नो वॉट यू डूइंग बिफोर यू कम ऑन टेलीविजन तो मुझे क्लीन एज यू गो का एक सिंपल सा फॉर्मूला है और ये जो इम है थोड़ा सा यहाँ गिरा हुआ है थोड़ा वो मैं कभी क्लीन नहीं करता इम परफेक्शन इज अ पार्ट ऑफ कुकिंग मैनी वाला जो काम है ना वो कुकिंग में नहीं होता कुकिंग जो है वो इंट्यूटिव है है ना कुकिंग जो है वो वो फ्लूड है वक्त के साथ बदलती है उसमें एक चीटा यहाँ पड़ गया कई मेरे कपड़ों पे दाग पड़ जाते हैं बोलता नहीं, नहीं शर्ट नहीं चेंज करनी मैं ऐसे कैमरे पे दिखा मैं देखो तो भैया ये छीटा पड़ गया है ये बाद में लोग बोलेंगे कंटिन्यूटी व्यूटी की प्रॉब्लम है तो लोग ऐसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इम्परफेक्शन जो है ना वो कुकिंग का बहुत अहम हिस्सा है ओवर मैनिक्योर नहीं करना चाहिए कुकिंग को मैं इस बात में बिलीव करता हूँ दूसरी चीज अगर आपको खुद से सफाई और कुकिंग दोनों में उतना चाव नहीं है तो फिर आपको वीडियोस नहीं बनाने चाहिए यू you नो know, वक्त लगाइए अपने ये मेरा उसमें हेलो सर आ, मैं बहुत छोटे शहर से हूँ और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से हूँ तो आ, हमारे यहाँ ना अगर किसी को खाना बनाना सीखना है स्पेसिफिकली लड़कियों को तो एक आ जाता है कि कल को शादी होगी दूसरे घर जाओगी इतना तो आना ही चाहिए और इस वजह से मैं हमेशा बहुत चिड़ी रही कि मुझे नहीं सीखना है आ, मैं हमेशा वैसी सक्सेसफुल होना चाहती हूँ कि मैं किसी को हायर कर लूँ मैं पे कर दूँ लेकिन मैं नहीं किचन में जाऊँगी पर फिर लॉकडाउन आया और आप नहीं कर सकते थे आपको सीखना ही पड़ा तब मैंने आपके वीडियोस देखना शुरू किया और एक चीज़ मैंने रियलाइज़ की कि, कि, कि अगर आप नहीं एन्जॉय करते हो उस प्रोसेस को तो वह अच्छा मतलब वैसा रिजल्ट आएगा ही नहीं अगर कोई फोर्सफुली करवा रहा है और यही एक्सपेक्टेशन शायद मैं जिसको हायर करना चाहती हूँ या सोचती थी कि हायर करूँगी या आइडिया ऑफ लाइफ पार्टनर जो होता था कि इक्वल हो हर चीज़ फिर वो भी बनाए और मैं भी उसका मन ना हो तो मुझे नहीं पता लेकिन मेरा मन नहीं है तो मैं भी तो मेरे ऊपर भी तो ये प्रेशर है ना तो आप अभी जो बात कह रहे थे कि अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते सफाई करना नहीं चाहते तो आपको वीडियोस नहीं बनाने चाहिए तो अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते तो आपको खाना भी नहीं बनाना चाहिए बिल्कुल नहीं देखिए मैं ये जो आपने जो बात बोली ना आई वॉन्ट क्विकली ब्रिंग इट बैक टू वट यू आर सींगलियर द फैक्ट जितना हम जितना हम किसी एजेंडा को पुश करते हैं उतना ही वो सिमर होता है और वो ऐसे ही निकलता है राइट right? वो जैसे आज के ड्रामे में निकल रहा है या अग्रेशन में निकल रहा है वो आई डोंट थिंक द एजेंडा हेयर इज मेल और फीमेल द एजेंडा इज कुकिंग इज एज डेमोक्रेटिक अ लाइफ स्किल एज एनीथिंग एल्स राइट बिकॉज द एजेंडा हैज बीन फेट यू यू आर रियक्टिंग इट टू अफ सेंग नहीं माई हजब नो हाउ टू कुक वाई शुड ही ऑल्सो नो हाउ टू कुछ तो ये ये, ये चीज जो है ना वॉट इज द बिग डील इधर वेज ये करना बहुत जरूरी है और ये मुझे गरिमा ने सिखाया बड़ा अच्छा जेंडर अग्नोसिटी इज इज अ इज द आंसर बिकॉज़ आई एम डूइंग इट दिस पर्सन शुड डू इट इज नॉट द आंसर व्हाई शुड एनी ऑफ यू डू इट जेंडर एग्नोस्टिक होना बहुत जरूरी कुकिंग को जेंडर एग्नोस्टिक करने के लिए दोनों के पास चॉइस होनी चाहिए कि या वो बनाए या वो ना बनाए और दूसरी चीज खाने वाले नहीं होंगे तो बनाने वाले क्या करेंगे तो अच्छी बात है कुछ लोगों को खाना बनाना नहीं आता तो इतनी सारी ऐप कंपनीज चल रही है उनका धंधा बैठ जाएगा हर कोई घर पे खाना वाले जाएगा है ना सो ट्रस्ट मी इट इज नो बिग डील इट इज़ नो बिग डील जी अरे सर मेरा नाम विपिन है uh, मैंने कुछ शो देखे अमेरिकन वगैरह जिसमें वो लोग सिर्फ कैंट फूड को इधर उधर डालते हैं थोड़ा गर्म करते हैं और खुद ही टेस्ट करके बताते हैं कि बहुत बढ़िया बनाए और वो बहुत फेमस हैं आप समझ होंगे मैं किनकी बात कर रहा हूँ उनके ने नाम की कटले वगैरह चलती है तो जब होता हो ना उनका नहीं बहुत ही तो सर अगर आप किसी ऐसे शेफ से मिलते हैं तो आपके उनके लिए क्या टिप होते हैं कोई नहीं सर मेरा तो बहुत सिंपल है सर आप जो कर रहे हैं वो ठीक है हम जो कर रहे हैं बहुत सिंपल है सर देखिए हमको आ, हम आ, हम जितना मर्जी कोशिश कर ले हमारे व्यूज़ हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेंगे और हमारे व्यूज़ हमारे रहेंगे तो वो वर्ल्ड व्यू तो नहीं है ना तो मैं इस बात में बिलीव नहीं हो सकता है जेमी का कैंट सॉस हो वो जब वो खोलता हो यू नो मे बी इट्स हिज कैंट सॉस मे बी इज़ रियली प्राउड ऑफ इट के देखो मैंने क्या चीज़ बनाई है ये मैंने इतना अच्छा टोमेटो सॉस बनाया ये देखो खोल के मैंने बनाया तो आई डोंट नो द कॉन्टेक्स्ट दूसरी चीज़ आ, <coughs>

आ, और क्या क्या खाना खाना और, और थोड़ा बहुत बनाना हाँ। कोशिश करना अच्छा खाना खाना, खाना बनाना। और बनाना हाँ। अच्छा खाना आपको आता है कि पसंद है बनाना आता है और खाना भी पसंद है आ, सर मेरा सवाल आ, एक ये कहा जाता है कि जब आप लोग बनाते हैं और बड़े रेस्टोरेंट्स में बनता है तो बहुत सारे सुपर फूड्स का इस्तेमाल करते हैं आप लोग कुछ इंग्रेडिएंट्स और कुछ चीज़ें मसाले ऐसे होते हैं जो बाहर से आ रहे होते हैं वो हमारी किचन्स में हम मीडियोकर लोगों की ना हॉस्टल लाइफ में या जब हम अपने कमरों में बना रहे थे तब भी नहीं था आज भी नहीं है फिर जब कोशिश को करते हैं हम लोग तो फिर हम लोग भिंडी ऑमलेट बनाते हैं या कोक क्या पिज्जा बनाते हैं कुछ ऐसे फ्यूजन फ्यूट फूड्स जो इंस्टाग्राम या कहने का मतलब है वो जो सस्ते फूड ब्लॉगर्स ब्लो, ब्लो, हैं या छोटे वाले जो इंस्टाग्राम बेस्ड <laughs> इंस्टा... भिंडी ऑमलेट और क्या क्या होता है इसमें? सर बहुत चीजें कोक ऑमलेट कोक वाले पानी के बताशे बहुत कुछ चलता है आप जानते होंगे तो वो उसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें वो ऑलिव ऑयल नहीं होता है हमारे किचन में जनरली या वो इंग्रेडिएंट्स या सुपर फूड्स ब्रोकली नहीं होता तो मेरा ये है मुझे जानना ये है आपसे कि कुछ छः सात आठ चीज़ें ऐसी बना बता दीजिए जो ऐसी वेर्ड भी ना लगें टेस्ट में और देखने में भी और आसानी से इंडियन किचन्स में मीडियोकर लेवल की फैमिलीज की किचन में हम बाहर रह के पढ़ाई करने वाले, नौकरी करने वाले लोगों की किचन में अरेंज हो जाए और खाने में भी, भी अच्छे लगे देखने की तो वो सब तो ठीक है पर हरी फूल गोभी को फूड कब से कहा जाने लगे वो बाहर से बन के आई सर उसमें कुछ किया गया है उसके जेनेटिकली तो वो बहुत सुंदर हो गई है

नॉट नॉट इन नॉट इन एनी अदर वे जस्ट सॉर्ट ऑफ बिकॉज ये सारे ये सारे जवाब मैं अपने वीडियोस के ज़रिए भी देना चाहूँगा अगर ये सारे सवाल आपके जहन में हैं तो डेट्स वेर वाज कमिंग फ्रॉम देखिए पहली चीज़ तो ये है कि ये सब ये जो आप बोल रहे हैं ना ये ये वाला मसाला नहीं मिलता ये ये वाली आग में बनता है ये बाहर से लाए हुए सुपर फूड डालते हैं ये सब पटाखे हैं ये सब पटाखे ऐसे है, बचते हैं ऐसे गायब हो जाते हैं अगले दिन कोई और पटाखा बजने लग जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कुछ ये कुछ रुकता नहीं है हम शेफों ने बहुत समय तक लोगों को डरा डरा के अपना बिजनेस किया है ये जी चौबीस घंटे पकती है ये जी ऐसे होता है ये जी वैसे होता है द एज ऑफ इंटिमिडेशन इज ओवर नॉट जस्ट इन फूड एवरीथिंग एवरीथिंग इज डेमोक्रेटिक अप्रोचेबल राइट तो वो जो जब तो ये चीज ज्यादा दूर तक नहीं जाएगी आगे इसकी टेंशन मत लीजिए आप एक सर्कल होता है है ना रिलेटेबल न्यू न्यू कीवर्ड पहली चीज तो ये दूसरी चीज uh, ये जो सुपर फूड्स हैं या ये, ये जो कुछ भी है मैं हमेशा वापस उसी बात पे आऊंगा और मैं थोड़ा गंभीर कर रहा हूं उसको बट सुपर फूड जो है ना वो uh, uh, आपकी बॉडी के अगेंस्ट मेजर होता है आपकी बॉडी एक बहुत इंपॉर्टेंट जेनेटिक डेटाबेस है जो कि हजारों सालों का जेनेटिक डेटाबेस है सिर्फ आपका ही नहीं आपके पूर्वजों का आप जहां पे बड़े हुए हैं वहां का वहां क्या उगता था उसका और आप लोगों ने क्या खाया है उसका उस जेनेटिक डेटाबेस के लिए जो फूड है ना वो ऑलरेडी वहां उग रहा है जहां आप हैं समझे तो ये ये सारी जो चीज़ें हैं ये बहुत डराने वाली हो जाती हैं कई बार कि भाई ये है ये है ये है वो उसकी तो आप टेंशन मत लीजिए है पंजाब में कहते हैं दाल रोटी कर दी दिवाली अम्बर सर दी बाकी रेसिपीज बहुत सारी हैं जितना जितना मेरे को इस उम्र में जैसा मैंने बोला कि इस उम्र में जितना मेरा जहन अलाउ करता है कि भाई इतना एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं बेजती नहीं होगी खाने की उतना मैं कर लेता हूँ उतना चैनल पर है बट यार डिफरेंट स्ट्रोक्स डिफरेंट फोक्स जी संदीप जी आ, आपके वीडियो में एक तकिया कलाम आप हमेशा देते हैं कि बाद में मत बोला कि रणवीर ने बताया नहीं ये आया कहाँ से सर पहले क्या था ना मैं आ, मेरे को टीवी की इतनी आदत नहीं थी है ना तो हम लोग अपना खाना बनाते हैं हम लोग को आदत है फटफट बना बनू के साइड कर देते हैं आधी चीज़ें हम बताते नहीं थे कि अच्छा इसको ऐसे कर लें फिर ऐसे उबाल लें ऐसे उबाल लें तो इस लेवल तक कॉमेंट्स आते हैं रणवीर आपने गैस ऑन करना तो बताया नहीं ओ गॉड समझा तो वो कुछ मैंने अपने अंदर चेंजेस किए कि भाई रणवीर थोड़ा रुको यू नो यहाँ पर तुम सारे ये शेफों को नहीं सिखा रहे हो कुछ चेंजेस करो और वो फिर धीरे 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 वो बात बनती गई अरे देखिए ये भी बता दिया अब ये नहीं कह सकते ये बताया नहीं अब देखिए ये बता दिया ये नहीं कह सकते ये बताया नहीं तो वो ऐसा चिपक गया कि वो चिपका ही रह गया वो एक और सवाल मतलब कहा जाता है भारत के बारे में कि हर दस किलोमीटर पर पानी बोली और संभवतः खाना भी बदल जाता है खाने का टेस्ट भी बदल जाता है तो आपने हर क्षेत्र विशेष का खाना बनाया है पंजाबी खाना हो चाहे मुगलई हो जो भी सारी चीज़ें सबसे मुश्किल और सबसे यूनिक कौन सा है डिश है आई थिंक नॉर्थ ईस्ट का खाना क्योंकि वो बहुत सिंपल है इसलिए बहुत मुश्किल और दूसरा हमारा जो पैलेट है वो ट्रेंड नहीं है उन गहराइयों तक जाने के लिए Uh, बहुत सारे प्रोसेस हैं फर्मेंटेशन के चावल के फर्मेंटेशन के फ़िश के फर्मेंटेशन के जो वो यूज़ करते हैं जिससे बहुत डीप रूटेड uh, फ्लेवर्स डेवलप होते हैं जो हमारे खाने में नहीं होते वो उनकी जियोग्राफी का फंक्शन है उस तापमान का फंक्शन है जहाँ पे फर्मेंटेशन हो सकता है उस जगह का फंक्शन है uh, तो आई थिंक नॉर्थ ईस्ट फूड इज़ नॉट ईजी टू कुक इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू कुक क्योंकि आप बहुत बहुत सिंपल है सिंपल चीज़ हमेशा क्योंकि आप छुप नहीं सकते ना, किसी के पीछे, तो हमेशा sir, कुछ देर पहले आपने कहा कि जब आप होते हैं, तो आप में जाते हैं। बड़ी दुविधा होती है कि आज क्या बनाना है तो सर इस उलझन का निदान क्या है डेली जो रेगुलर कुँ... घर पे भी मैंने देखा है मम्मीज आंटीज का ये सबसे बड़ा उलझन और दुविधा रहती है कि आज क्या बनाए खाने में आज क्या बनाए खाने में सर लौकी और पराठे

अगर मैं दिल से बनाऊंगा बनाओंग, बनाऊंगा या बनाऊंगी तो लोग दिल से खाएंगे इ रिस्पेक्टिव के तुम क्या खाओगे तुम क्या खाओगे तुम क्या होगे यार भाव का निर्वाह जो है वो होता ही है खाने से आप वो अवॉइड नहीं कर सकते कंफ्यूजन है तो कंफ्यूजन प्लेट पे आएगा चाव जो है ना वो चाव बहुत जरूरी एंड इट्स विद शॉपिंग ऑलवेज से कि यार सामान सब मजा आता है जाके आज ये अच्छा लग रहा था ये ले लिया यार अरे आज मटर बड़े अच्छे पड़े आज मटर बनाते हैं वो वो दिस दी इमोशन सर मतलब ऐसे धरती की दसों दिशाओं की शपथ लेते हुए है ना और पूरी मनसा वाचा कर्मणा से एकदम ईमानदारी का तस्करा है आपको जी वेज बिरयानी पर दो शब्द दीजिए <laughs> सर देखिए मैं बा, 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 क्या कहूँ अब आपको सर देखिए वेज बिरयानी वैसे तो कुछ होता नहीं है है ना थैंक यू फॉर दैट <laughs> बाकी वो दिल बनाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है वाला सीमा हाँ को। नहीं बड़ो वेज बिरयानी बनाते टाइम ये भी बोला मैंने कि ऐसा कुछ होता नहीं है <laughs> तो तो आ, आ, क्या है ना कि जो वक्त लगता है बिरयानी को पकने में वो वक्त इज द फंक्शन ऑफ अ बिरयानी टाइम टेकन टू कुक बिरयानी और सब्जियां बहुत जल्दी पक जाती हैं तो इसलिए वो, वो वो जो फ्लेवर्स डेवलप होने का वक्त मिलता नहीं है एक अच्छी बिरयानी हेलो सर आपने जो कहा कि राइट अमाउंट ऑफ अनकंफर्टेबल है इसलिए मैं एक्टिंग में चला गया जब अपने घर वालों से बात की तो जब पहली बार आपने बात की घर पे कि आपको शेफ़ बनना है और ऑब्वियसली मिडिल क्लास फैमिलीज में एक लड़के का शेफ़ बनना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है मतलब क्योंकि हमारे यहाँ तो टिपिकली लड़कियाँ ही खाना बनाते आ रही हैं तो वो कैसे आपने घर वाले ईजिली मान गए या आप कैसे वो पूरा प्रोसेस क्या रहा आपकी लाइफ में पहली बार घर वालों को मनाने का किसी ऐसी चीज के लिए जो थोड़ा सा अलग थी उनकी सोच से जो इंजीनियरिंग या डॉक्टर अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं प्रोसेस प्रोसेस जिद थी तो क्या था तो बेसिकली जब हम, जब हम जब हमने बोला कि हमें ये करना है नाइनटी थ्री में उस समय तो कोई शेफ वेफ का कोई फंडा ही नहीं था कोई तो तो उन्होंने बोला कि नहीं ये तो मतलब पॉसिबल नहीं है जमींदारों के बेटे हो पापा इंजीनियर हैं गोल्ड मेडलिस्ट हैं ये ऐसे ऐसे थोड़ी ना होता है तुम्हारा वो है ना इनफेचुएशन है चला जाएगा वक्त के साथ तो फिर हमने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं है हम करके दिखाएंगे तो छः आठ महीने हमने एक उस्ताद के साथ काम किया घर वालों को लगा कि यार ठीक है सीरियस फिर हम बैठे मेडिकल क्लियर किया एन क्लियर किया हमने कहा देखो ये ये नहीं कह सकते अब आपके दोस्त ये नहीं कह सकते कि यार ईश्वर सिंह तुम्हारा बेटा तो नालायक निकला आपको कहने को हो गया कि देखो सी पी में रैंक है तो फिर हमने कहा करेंगे तो हम वही जो हमारे मन में सिंपल यही प्रोसेस था आपने अपने पिताजी का जिक्र किया ईश्वर सिंह जी का आपके लिए वो बहुत मुश्किल दौर था जब आपको पता चला कि उनको कैंसर हो रखा है पर वो तब भी फौलादी थे बहुत मतलब आई थिंक my... <coughs> वो होता ना कि आपको पता ही नहीं होता कि क्या किधर से लाइफ uh, आपको सिखाने वाली है कुछ बट वो आई थिंक वो मेरे लिए दैट हैज़ बीन द बेस्ट एंड द वर्स्ट फेज ऑफ माई लाइफ क्योंकि uh, आंतरिक शक्ति और एक पारिवारिक शक्ति की जो कीमत है आप तब समझते हैं जब एक परिवार जब साथ में जूझता है एक uh, एक बीमारी से स्टेज टू कैंसर से किसी का वेट नब्बे से फोर्टी नाइन हो जाता है आप रोज देखते हैं डॉक्टर आपको बोलते हैं कि चांसेज कम हैं दिल ऑफ अ फैमिली टू सॉर्ट ऑफ स्टिक टुगेदर एंड मेक इट हैपन वो वो इंडिया में होता है सिर्फ और आ, और ये जो जो वैल्यू सिस्टम है कि बस यू you नो know, गिरने तो नहीं देंगे वो जो होता है ना कि तो वो आई थिंक वो 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 जनरेशन भी अलग थी उनकी जनरेशन जो है वो गिरेंगे तो नहीं बेटा वो जेनरेशन थी आ, और हमारी जो जनर फॉर्चुनेटली हमारी जनरेशन ये है कि के, के पेरेंट्स के आगे फिर दिखता नहीं है कुछ तो आई थिंक वो इट इज़ आप डॉक्टर्स अभी भी बोलते हैं मेरिकल है फ्रॉम अ टेन परसेंट चांस ऑफ सर्वाइवल ही इज़ बैक अप रनिंग अपना गुरुद्वारे जाते हैं सैर करते हैं मज़े से खाते हैं फोर्टी नाइन किलो से वापस सिक्सटी समथिंग हो गए हैं तो बट मैं इस बात को बहुत स्ट्रॉगली बिलीव करता हूँ कि ये जो फैमिली एज अ यूनिट है ये हमारी सोसाइटी का बहुत 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 अहम हिस्सा है जो यूनिक टू इंडिया है और अगर इस अगर एज अ फैमिली इफ यू आर टुगेदर इट्स वेरी डिफिकल्ट टू वेरी डिफिकल्ट टू टू बी बॉक्ड डाउन ये हमने जब सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि आप हमारे न्यूज रूम में आ रहे हैं तो कुछ एक हज़ार सवाल आए जिसमें से हमने कुछ शॉर्ट लिस्ट किए हैं रौनक का सवाल है नमस्ते शेफ होटल इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर आप क्या सोचते हैं क्या संभावनाएं है और चुनौतियां हैं देखिए मुझे ये लगता है कि आ, कुछ जगह तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है हमारी इंडस्ट्री में बिकॉज मैन पावर की जेन्यून कमी लॉकडाउन के बाद तो उसके सोल्यूशन हमको निकालने ही पड़ेंगे आ, लेकिन जो थर्टी टू फोर्टी परसेंट फाउंडेशन है कुकिंग बिजनेस का वो पर्सनालिटी है पर्सनैलिटी शेफ विदाउट अ पर्सनालिटी इज बेसिकली मशीन हम लोग ये कहते हैं तो जब पर्सनालिटी नहीं है तो फिर वो खाने में नहीं दिखेगी तो फोर्टी परसेंट आप, आप तो आपको लोगों से करवाना पड़ेगा मजबूरी में आई थिंक एआई जो है वो धीरे धीरे अपनी जगह बनाएगा आई डोंट थिंक इन कैन टेक ओवर अमन का सवाल है फाइन डाइन में पोर्शन साइज कम होता है कॉस्ट ज्यादा फोकस फूड को आर्ट की तरह सजाने पर द मेन्यू फिल्म में इस फिलोसफी के खोखलेपन पर बात की गई है योर टेक देखिए मैंने तो मेन्यू देखी नहीं है मेरा एक रूल है मैं एमडीबी में जाके देखता हूँ सात के ऊपर नहीं है तो मैं नहीं देखता <laughs> तो तो वो आई थिंक सिक्स पॉइंट समथिंग थी तो मैंने देखी नहीं बट परस्पेक्टिव uh, है यू नो आर्ट सब्जेक्टिव होता है कुकिंग भी सब्जेक्टिव है तो ओपिनियन बहुत स्ट्रांग ओपिनियन फॉर्म करना गलत होगा कि फाइन डाइनिंग जो है इस तरह की है सामने वाला कहना चाह रहा है आपको पसंद आ रहा है आ रहा है जिनको पसंद आ रहा है आ रहा है जिनको नहीं आ रहा नहीं आ रहा um, बहुत मैं uh, मुझे अभी भी याद है अच्छा खाना अच्छा म्यूज़िक अभी भी आंखें भर आती तो आ, मैं अच्छी बिरयानी खा के भी रोया हूँ और एक एक छोटी सी प्लेट पे इतना एक क्रैब का इतना सा टुकड़ा था उसके ऊपर फर्मेंटेड एग योग पड़ा हुआ था और तीन चार चीटियाँ थी एंड्स वो कॉम्बिनेशन मैंने मेलबर्न में नोमा रहने का आ, एक डिश थी मैं वहाँ पर भी रोया हूँ तो ये तो आर्ट है जहाँ लग जाए वहाँ इंस्पायर कर देता है तो फैजान का सवाल है कि प्रोफेशनल शेफ बनने के लिए कोर्स करना जरूरी है क्या बिल्कुल बिल्कुल जरूरी नहीं स्ट्रक्चर देना जरूरी है अर्जुन यदि कोई नई डिश इजाद की जाए तो उसका नाम कैसे रखते हैं कोई पैनल बैठता है प्रोसेस क्या होता है ऐसा तो कुछ नहीं है जो मन में आए रख दो मतलब हम तो ये कई बार तो हम बोलते हैं कि भाई क्या है आज की तारीख क्या है जैसे अभी वो चिकन 65 ना उन्नीस में याद हुआ नाम हो गया चिकन सिक्सटी फाइव बुहारी होटल में उसका नाम है चिकन सिक्सटी फाइव वैसे ही चल रहा है खाना अच्छा होना चाहिए सब नाम जुड़ जाता है वो आखिरी जो आपने तय किया हो कल हम मैं जिस इवेंट के लिए मैं आया हूँ वहाँ पर वो थे आ, आलू टिक्की बनवा रहे थे उनसे तो वो एक टिक्की उन्होंने बनाई तो एन टिक्की रख दिया उसका नाम बोले एन क्यों बोले वो एक न, एन क्यूब टिक्की बोले एन क्यूब क्यों तो बोले न्यूट्रिशियस नितिन और नवीन नितिन और नवीन की बनाई हुई न्यूट्रिशियस टिक्की क्या फर्क अब जिसने चीज़, अगर चीज अच्छी होगी तो लोग एन क्यूब टिक्की के नाम से मांगेंगे स्वतंत्र का सवाल है कि जो अजीब डिश बन रही है जो शिवेंद्र भी पूछा था आपने कभी ट्राई किया है और ब्रेड पकौड़ा मिरिंडा मैगी चॉकलेट पिज्जा भिंडी समोसा क्या इन इन्वेंशन को बैन करना चाहिए या और लोगों को इंकरेज करना चाहिए करो मिलावट नहीं और लोगों को इंक्रेज करना चाहिए मैंने ट्राई नहीं किया है लेकिन और लोगों को इंक्रेज करना चाहिए <laughs> देखिए बात खाने की होनी चाहिए जैसे मर्जी हो सीधी सी बात है इवेंचुअली अगर आप अपने मीडियम में बिलीव करते हैं यू यू बिलीव दैट द प्योर फॉर्म ऑफ आर्ट विल शाइन थ्रू लेट देयर बी कॉन्वर्सेशन अबाउट आर्ट कभी ऐसा हुआ कि आपको कोई कॉम्बिनेशन मिल गया हो? हो हो सर बड़े सारे मिलते हैं मतलब, uh, आप, always, always हैं हैं मतलब बट आप 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 यू ऑलवेज ऑलवेज आई कीप एन ओपन माइंड बिकॉज़ सरप्राइज सरप्राइज जाते जाते कई बार खुद ही कि यार ये तो काम का और और गहरी जानकारी है को को की, की खासतौर पर उनका जोर है कि कई डिशेस जो पहले बनती रही हूँ और अब सिर्फ उनका जिक्र मिलता हो खो दी हो देखिए बहुत सारी किताबें हैं बट एक किताब जो हर एक को जिससे शुरू करना चाहिए जी की किताब है हिस्टोरिकल कंपेनियन टू इंडियन फूड ये हम लोग कल ही आ, हमारा एक दक्षिण भारतीय राज्यों पर केंद्रित शो है आर्बम उसका एक साल पूरा हुआ तो हमने कर्नाट प्लेस में आंध्रा भवन की कैंटीन जाके शूट किया जे के एक प्रोफेसर आए जिनका स्पेशलाइजेशन है सदर्न स्टेट्स के कल्चर पे फूड पे हिस्ट्री पे शी रेकमेंडेड सेम बुक कादंबरी का सवाल है हेलो शेफ भोजन की बर्बादी रेस्टोरेंट के साथ साथ घर में भी एक बड़ा मुद्दा है इसके लिए कैसे जागरूकता करें इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है कि खाना बर्बाद ना हो इसका प्रैक्टिकल सर सॉल्यूशन यही है कि फिलोसफिकल आंसर बट बेसिक सॉल्यूशन इज रिस्पेक्ट सर If you you have have to 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 connect it it respect, or say on your face कि आप फेंक रहे हो क्योंकि आप इज्जत नहीं करते बात। का सवाल है 2023 को मिलिट ईयर के रूप में मना रही है आप कोई डिश बताएंगे मिलेट से बनी हो लोग पसंद करें मेरे को बताने की जरूरत नहीं आप हर राज्य में जाए भर भर के है मंडवे की रोटी उत्तराखंड में है बाजरे की राब ज्वार की राबोड़ी बाजरे जवार के पापड़ नाचनी के पापड़ महाराष्ट्र में हैं रागी मुद्दे कर्नाटक में हैं हमारे देश में कम से कम 800 सौ से बाजरे की रो, मतलब रोटला गुजरात तो ये तो मतलब अनुपम का सवाल है कि कोई आपकी क्लास चलती है क्या अगर हाँ तो उसकी फ़ीस क्या है और अगर नहीं तो कब से क्लास शुरू करेंगे देखिए क्लास कोई नहीं चलती क्योंकि मेरे को आ, आ, उसके लिए चाहिए डिसिप्लिन मेरे अंदर है नहीं वो इतना मैं एक चीज़ खत्म करके दूसरी चीज़ फटाफट पकड़ने की कोशिश करता हूँ लगता है कि चलो ये भी सीख लेते हैं बट जो क्लास है वो यही है यूट्यूब चैनल पे जो है आ, हमने जो कहना था कह दिया जिसने जो लेना था ले लिया वाला सीन है बस ओके okay. ये एक दर्शक ने आ, छह सवाल पूछ लीजिएगा हमारे ठीक है और जवाब एक एक शब्द का ही चाहिए ठीक है तो रैपिड फायर समझ लीजिए आप तो उनका है कि आपका फेवरेट फास्ट फूड क्या है पाव भाजी मिठाई शौंदेश. और फूड इंडियन फूड बहुत स्पेसिफिकली लिखा गया खिचड़ी खिचड़ी एंड नॉन इंडियन में रिजोर्टो रेस्टोरेंट, फेवरेट रेस्टोरेंट, यू कैन गो अगेन एंड अगेन बिरयानी, पाटन चौकी, चौक लखनऊ। मसाला आपको लगता है यार ये मसाला हो तो सॉर्टेड। इलायची एंड योर फेवरेट ड्रिंक छास, पर मट्ठा, वो वाली छास नहीं दही में दही में पानी मिला दिया वो नहीं, मट्ठा। बिलो के अच्छे से मक्खन नवनीत नैनू निकाल के ये. तो एक आखिरी सवाल हमारा भी है भाई साहब इतने सारे सवाल पूछने के बाद जब आप भोजन नहीं बना रहे होते हैं या भोजन के सिलसिले में ट्रेवल नहीं कर रहे होते हैं तब हमें पता चला कि आप पेंटिंग कर रहे होते हैं ये सत्य है कर लेते हैं सर कुछ ना कुछ तो कर ही लेते हैं तो ये बेफिक्री तमाम मुश्किलों के बाद आई या ये शुरू से ही डीएनए का हिस्सा था नहीं सर मुश्किलों के बाद

तो आप लोग जो तमाम वजहों से भोजन बनाने से नाराज़ हैं अपनी नाराज़गी दूर करिए क्योंकि ये अद्भुत अद्वितीय लगभग आध्यात्मिक किस्म का सुख है बशर्ते आपको मसाले बरतना और उस सुवास को अपने भीतर हर कोने तक ले जाना और महसूस ना आ गया हो गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में अलग अलग फ़न के जो कलाकार हैं उनसे संवाद का सिलसिला चलता रहेगा ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए रणवीर आपको खूब शुभकामनाएं आप ऐसे ही अपने तजुर्बे लोगों के साथ शेयर करते रहें और आँखों से यूँ ही मुस्कुराते रहें थैंक यू वेरी मच और मैं ये जरूर कहना चाहूँगा आप सबके लिए इंक्लूडिंग सौरभ भाई आपके लिए कि ये जो एक स्वभाविक आई कॉल इट पुल जर्नलिज्म का जो सिलसिला आपने शुरू किया है नहीं तो आजकल पुश जर्नलिज्म बहुत ज़्यादा है ये जो पुल जर्नलिज्म का आपने आ, जो सिलसिला शुरू किया है उसके लिए कंग्रेचुलेशन मुबारकबाद और वो आ, वो स्वाभाविकता जो है वो ना छोड़े बाकी जो है सब बदल जाता है सब कुछ लोग आते जाते रहते हैं स्वाभाविकता हमेशा जीतती है या yeah? बिल्कुल थैंक यू सो मच